हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका कैरियर क्राफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इससे पहले मैं आपको काउंटिंग फिगर की दो क्लास करा चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, एक काउंटिंग फिगर की दोनों क्लासों को देखनी है और आज जो हमारे रहने वाली है ये क्लास नंबर 3 रहेगी और आगे के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बात देखनी है मेरे भाई। सबसे पहले तो एक काम करना है आपको कि जो भी कंटेंट कैरियर क्राफ्ट पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ कहां मिलेगी सर? तो सबसे पहले जाओगे मेरे भाई टेलीग्राम पर, कैरियर क्राफ्ट सर्च करोगे और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओगे। तो जो भी कंटेंट या जो भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी, तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, कैरियर क्राफ्ट को सर्च करना है या आप इस स्कैनर से स्कैन करके भी जुड़ सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं आपके सामने। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर चल रहा था, आज मैं ट्रायंगल की आपके सामने तीसरी क्लास लेकर हाजिर हूं और इसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपकी वो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी जो आपको दिक्कत एग्जाम में होती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, आपके सामने पहली बेसिक फिगर बनी हुई है, आपको देखना सर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, दी हुई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई आपको एक बात मैं बता दूं, देखो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से समझना है, छोटी छोटी चीजें ये मेरे भाई आप देख पा रहे हो, एक त्रिभुज ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा वाला ये होगा, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? तो आप कहोगे सर इसमें कितने त्रिभुज हो गए, चार हो गए। तो आप कहोगे सर एक बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज वाला आपका बड़ा वाला त्रिभुज होगा एक। तो आपको दिखाई दे रहा है ये आसान फिगर थी, आसान फिगर थी, तो आपने बता दिया सर इसमें जो त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर इसमें टोटल जो त्रिभुज हो जाएंगे वो 5 होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, देखो ये तो आपके सामने आसान फिगर थी, आपने काउंट कर लिए, कोई दिक्कत हुई नहीं। मेरे भाई इस टाइप की फिगर को कॉम्प्लिकेटेड आएंगी तब आप किस तरीके से ध्यान रखोगे, किस तरीके से काउंट करने। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी इस टाइप की आपके सामने कोई भी फिगर आएगी और उसके अंदर इस तरीके से त्रिभुज बनाया जाएगा, तो आपको पता है एक जब त्रिभुज बनाया जाता है तो उसके आने से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आते हैं, तो आप कहोगे सर 4 आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाली फिगर जो है कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल देगी, अंदर वाली 4 देगी। क्लियर, आपको इतना ध्यान रखना। और एक बड़ा वाला, तो आप कहोगे सर इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर मेरे भाई गलती से मैं इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं गलती से मेरे भाई इस तरीके से इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दूं, तो आपको कुछ नहीं करना, यही देखना है कि त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज के आने से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे, आप कहोगे सर 4 आएंगे। मेरे भाई दो के आने से कितने आ जाएंगे, 8, और एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 9। तो आप कहोगे सर इस वाले त्रिभुज से कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 4। इस वाले से कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर इससे 4 मिलेंगे, और एक आपका बड़ा वाला। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 8 और एक 9। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे मेरे भाई, 9 हो जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगे। और क्या कर सकता हूं मैं इसके साथ छेड़खानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे भाई मैं आपसे बात करूं सर इस तरीके से कुछ हो सकता है, देखो आपके सामने इस तरीके से फिगर दिखाई दे सकती है और मेरे भाई आपको इस तरीके से मॉडिफाई करके फिगर को दे सकता है। अभी और भी इसके अंदर देखो, एक त्रिभुज मैंने इस तरीके से बनाया, हाँ या ना? अब मैंने मेरे भाई एक त्रिभुज इस तरीके से इसके अंदर बना दिया, एक और। अब मैं इस तरीके से एक और इसके त्रिभुज अंदर बना दूं, तो आपसे पूछा जाए बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया कि सर एक फिगर के आने से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आते हैं, 4 आते हैं, 4 इसके आने से आएंगे, दूसरी फिगर के आने से फिर से 4 आ जाएंगे, इस तीसरी फिगर के आने से फिर से 4 आ जाएंगे, और एक बड़ा वाला त्रिभुज और ऐड करोगे तो मेरे भाई 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 13। तो आपको मेरे भाई ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, आप तभी ट्रायंगल को आसानी से काउंट कर सकते हो, अन्यथा आपका क्या हो जाएगी, गलती होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, बेसिक सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपके सामने मेरे भाई इस टाइप की फिगर आती है, आपके एग्जाम में इस टाइप की फिगर पूछी जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे पहले इसकी छोटा रूप मैं आपको दिखाता हूं, सबसे छोटा रूप ये है मेरे भाई, ये फिगर आपके सामने बनी हुई है। देखो ये फिगर जो है ना, यहां इस तरीके से टच है मेरे भाई, ये टच है इस तरीके से, ये इस तरीके से टच है, ये इस तरीके से टच है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहां टच कर रही है। क्लियर है कि नहीं? ये इस तरीके से टच है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको करना कैसे काउंट है मेरे भाई, ये आपके सामने आसान फिगर है, कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप सबसे पहले नंबरिंग दो, 1 2 3 4, आप कहोगे 5
6, 7, 8 और 9। मेरे भाई छोटे ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, सर कितने त्रिभुज हैं इसमें? 9। क्लियर है कि नहीं? तो 9 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या मेरे भाई और भी एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? जब मेरे भाई इन फिगरों को आपस में मिलाओगे तो और भी त्रिभुज बनेंगे, वो आपको काउंट करने हैं। 9 त्रिभुज आप काउंट कर चुके। देखो मेरे भाई इन दोनों फिगरों को इस टाइप से मिलाया जाएगा तो 9 के बाद एक ये बनेगा 10, हाँ या ना? 9 के बाद एक 10, 10 के बाद आप कहोगे सर एक ये बनेगा 11, 10 के बाद आप कहोगे सर एक ये बनेगा 11। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाई 11 है। अब एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, आपने 9 ट्रायंगल काउंट कर लिए, 9 के बाद 10 मा ये काउंट कर लिया, 11 मा ये काउंट कर लिया, 11 ट्रायंगल आप काउंट कर चुके। और देखो और क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे सर और भी तो त्रिभुज बन सकते हैं मेरे भाई, और मिला के देखो कौन कौन से त्रिभुज मिला सकते हो आप। तो आप मेरे भाई 11 काउंट कर चुके हो, 11 में अभी काउंट कर चुका हूं, और देखो और कौन कौन से त्रिभुज मिल सकते हैं मेरे भाई। इन दोनों को हमने मिला लिया, इन दोनों को भी मिला लिया, और देखो मेरे भाई और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कोई त्रिभुज बनेगा? हाँ सर बनेंगे और भी त्रिभुज, वो कैसे देखने, मेरी बात ध्यान से सुनो। 11 तो हमारे पास हो गए, 11 के बाद मेरे भाई और त्रिभुज कहां से बनेगा? अब आप देखो मेरे भाई इसे मिला हुए तो आपका त्रिभुज नहीं बन पाएगा, इन दोनों को मैं मिला चुका हूं, इन दोनों को भी मिला चुका हूं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप किसको मिलाओगे मेरे भाई? ध्यान से देखना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। सर हाँ इस बेस पर एक और त्रिभुज बनेगा, कौन सा? आप कहोगे सर इसे मिलाओगे तो आपके सामने एक और त्रिभुज बनेगा, ये वाला, हाँ या ना? तो आप कहोगे सर 11 के बाद एक त्रिभुज ये आ गया 12। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है मेरे भाई? क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? तो आप कहोगे सर हाँ, जब मैं इस पूरी फिगर को मिलाऊंगा इस तरीके से तो आप कहोगे सर एक ये त्रिभुज और बनेगा कंप्लीट वाला, ये अभी हमने काउंट नहीं किया। तो मेरे भाई एक त्रिभुज ये आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास 11, 12, 1, 13। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 13। एक बार और समझो मेरे भाई, आप 9 तो छोटे वाले हो गए, 9 के बाद मैंने 10 मां आपको ये बताया था 10 इस तरीके से, 11 मां मैंने ये बताया था 11, 11 के बाद मेरे भाई 12 मां इस तरीके से स्पेस में बना था, और 13 मां पूरा बड़ा ट्रायंगल बना था। तो आपको मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, आप इस तरीके से काउंट करोगे तो फिगर में आप पजल हो सकते हो, आपको दिक्कत हो सकती है, और या तो ऐसा होगा या तो आप एक ज्यादा काउंट कर लोगे या एक कम काउंट कर लोगे। तो आपको याद क्या रखना है, ये छोटी फिगर थी मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया, पर हमें क्या सीखनी है मेरे भाई, इसकी अप्रोच देखनी है, इसकी ट्रिक देखनी है कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं और हमारा एक भी क्वेश्चन जो गलत ना हो पाए काउंटिंग ऑफ फिगर का, क्योंकि हम पजल हो जाते हैं कभी एक ट्रायंगल हमारा कम काउंट होता है या ज्यादा काउंट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनो, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको इसमें पता चल गया 13 होते हैं। सर मैं सबको रफ कर देता हूं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसे हटा देते हैं। अब मेन फिगर पे आते हैं जो हमारे सामने थी, उस फिगर को देखते हैं। सर हमारे सामने ये फिगर थी, हमारे सामने कौन सी फिगर थी? सर ये वाली फिगर थी, ये वाली फिगर हमारे सामने थी। तो आपको क्या करना है, इसी पे इसी आपको इसके ट्रायंगल काउंट करने, देखो इसे मिला लेना, ये मिली हुई है इस तरीके से, क्लियर है कि नहीं? आपको दिखाई दे रही हुई यहां इस तरीके से ये मिली हुई है। अब इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या देखनी है। तो त्रिभुजों की संख्या आप कैसे काउंट करोगे वो देखो मेरे भाई, त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करोगे ये आपको समझना है। इस तरीके से मिली हुई है ये लाइन, क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना सर, ये देखना है कि इस बेस पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप कहोगे सर इस बेस पर 1, 2, 3। आप इस बेस पर देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1, 2 और 3। आप इस बेस पर देखोगे तो 1, 2 और 3। कहने का मतलब क्या है कि मेरे भाई इसमें तीन बेस पर इस पर भी तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, इस वाले पर काउंट करोगे 3 और इस पर भी क्या है 3, ये समान है। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने, तो क्या करोगे मेरे भाई, नंबरिंग करो 1, 2 और 3। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, एक के सामने एक ही रखना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसमें एक और जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां लिखोगे उसे सम करने के बाद 3, और 3 में 3 जोड़ोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये बेहतर तरीका है मेरे भाई इस टाइप की फिगर के ट्रायंगल काउंट करने का, इससे बेहतर अप्रोच नहीं हो सकती। क्लियर? आपको कुछ नहीं किया कि सर एक के सामने एक लिखा, फिर इन दोनों का सम कर दिया, 1 और 2 का 3 आ गया, फिर उन दोनों का सम किया, यहां 6 आ गया, और उसके बाद क्या करना है आपको मेरी बात ध्यान से सुनो, नीचे से स्टार्ट करना है मेरे भाई। इस वाले त्रिभुज को काउंट नहीं करना, इस वाले को करोगे, इस त्रिभुज को नाउ पहले क्या करना है, पहले आप इनका सबका सम लिख लो, पहले आप इन सबका सम लिखो। तो मेरे भाई 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 1, 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास 10 आ गए। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है सर,
इस वाले ट्रेंगल को काउंट नहीं करना, इस संख्या को काउंट नहीं करोगे, इसे काउंट करोगे, इसको काउंट नहीं करोगे, क्लियर है कि नहीं? नीचे से काउंट करना शुरू करोगे, इस वाले को छोड़ के अल्टरनेट वाले को काउंट करना है, इस वाले को छोड़ के अल्टरनेट वाले को काउंट करोगे, क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, 10 के बाद 3 और जोड़ दो इसमें, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेंगल आएंगे आपके, तो आप कहोगे सर इसमें कितने आ जाएंगे, 13। तो ये इसकी बेहतर अप्रोच है, आप आसानी से इस टाइप की फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे इस टाइप की आपके सामने एक और फिगर है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले एक फिगर ये आपके सामने है, इसमें बताओ मेरे भाई हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, दी हुई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है मेरे भाई, सेम फिगर है, देखो ये मिली हुई लाइन आपको दिखाई ना दे रही हुई, इस तरीके से मिली हुई है यहां, इस तरीके से लाना है, क्लियर है? मैं बना देता हूं आपको प्रॉपर दिखाई दे, ये यहां आपस में मिली हुई है इस तरीके से, हाँ या ना, ये इस तरीके से मिली हुई है। तो आप इस फिगर को देखो और इसमें बताओ मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। अगर आप इस फिगर में मेरे भाई इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट करके और सबको जोड़ोगे तो आप पजल हो जाओगे, आपका आंसर सही नहीं आएगा, दिक्कत होगी। तो आपको कुछ नहीं, जो मैंने तरीका पहले बताया था वो आपको इंप्लीमेंट करना है। किस तरीके से, देखो सर इस बेस पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, इस बेस पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है मेरे भाई, इस वाले बेस पर, तो आप कहोगे सर 1, 2, 3 और 4, इस वाले बेस पर 1, 2, 3 और 4, इस वाले बेस पर 1, 2, 3, 4, क्लियर है कि नहीं? तो ये मेरे भाई समान नंबर ऑफ ट्रायंगल है तीनों बेस पर, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग करोगे इस तरीके से, सर 1, 2, 3 और 4, आपको क्या करना है, एक के सामने तो एक ही लिखोगे, हाँ या ना? अब इन दोनों का सम करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 3 आएगा, इन दोनों का सम करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, आप कहोगे सर 6 आएगा, और इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, हाँ या ना, बोलो मेरे भाई। अब आपको पता है 10 और 6 16 19 और 1 20, तो यहां कितना हो गया मेरे भाई, 20 आ गया, क्लियर है? तो अब क्या करना है, आपको नीचे से शुरू करना है, इस वाले को काउंट नहीं करना, इसको काउंट करना है, इसे काउंट नहीं करना, और इस वाले को काउंट करना है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो इसमें 7 और ऐड कर दो, तो आप कहोगे सर इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप कहोगे सर इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो मेरे भाई इसका आंसर होगा 27। ये डायरेक्ट फिगर पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो आपको ये फिगर दिमाग में होनी चाहिए कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते हैं मेरे भाई कितने बनते हैं, 27 बनते हैं, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। पर निकालने का तरीका क्या है कि आप इस तरीके से निकालोगे, काउंट नहीं करोगे, नहीं पजल हो जाओगे। एक और फिगर दिखाता हूं इस टाइप की आपके सामने बेहतर, ये देखो मेरे भाई, ये डिक्टो सेम फिगर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी, आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी, कुछ नहीं करना, क्या करना है तरीका आपको पता है। सर इस बेस पर देखो 1, 2, 3, 4 और 5, इस वाले बेस पर 2, 3, 4 और 5, ये मेरे भाई मिली हुई है, ये जी जो है मेरे भाई इस तरीके से मिला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, ये यहाँ इस तरीके से मिली हुई लाइन है, क्लियर, ये सारी मिली हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, देखो इस बेस पर भी 5 बनेंगे, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग लिखो 1, 2, 3, 4 और 5, तरीका सेम है, 1 लिखोगे फिर इसमें ऐड करोगे 3 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करोगे 10 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करोगे तो आपका 15 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस सम का सम करो, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 11 और 3 14, 1, 2, 3, 34, क्लियर है कि नहीं, 34 आपका ये सम आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको और क्या करना है मेरे भाई, अब इस नीचे से काउंट करना, ऐसे छोड़ दो, इसको काउंट करोगे, इसे छोड़ो, इसको काउंट करोगे, इसे छोड़ दो, अल्टरनेट छोड़ना होता है मेरे भाई। 10 और 6 10 और 3 13, तो इसमें क्या करना है आपको, 13 और ऐड करना है, 13 और ऐड करना है, मेरी बात समझ में आ रही है, 10 इसे छोड़ के इसको ऐड करना है, 10 और 3 13 13, और इसमें क्या करना है आपको, ऐड करना है। अब मेरे भाई इसमें देखो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, तो आप कहोगे सर इसमें 47 आएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या किया सर, पहले इसके सामने 1 लिखा, इन दोनों का सम किया कितना आया, 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, इसके सामने ये 10 आएगा, इसके सामने ये 6 आएगा, और मेरे भाई 10 में 5 जोड़ोगे तो ये 15 आएगा। अब इनका मैंने पहले क्या किया था, सम किया था 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, सम गलत हो गया था, ये शायद 35 आएगा, या भाई इसके लिए
माफी चाहते हैं, बाई मिस्टेक ये हो गया, यहाँ कितना आएगा 35 आएगा, तो यहाँ 35 आएगा क्योंकि एक हम जोड़ नहीं पाए थे। इन सब का सम करोगे 35 आएगा, 35 के बाद इसे छोड़ दोगे, इसे काउंट करोगे, इसे छोड़ दोगे, इसे काउंट करोगे, तो 35 में 13 जोड़ोगे तो ये जो आपका आंसर आएगा, आप कहोगे सर आंसर कितना आएगा, तो 48 आ गया, 48 आएगा क्योंकि पहले एक काउंट नहीं हुआ था। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप कहोगे सर इसमें 48 आपके त्रिभुज होंगे। क्लियर है कि नहीं? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। आगे बढ़ते, आगे देखते अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। ये तो बेसिक फिगर है, इस टाइप की फिगर में आपको करा चुका हूं, इस टाइप की फिगर मैंने अभी सबसे पहले बताई थी। देखो ये तो एक है त्रिभुज, इसमें देखो मेरे भाई चार अंदर वाली फिगर से मिलेंगे, आप कहोगे चार इससे, एक ये बड़ा वाला, तो कितना हो जाएंगे 5। आगे देखो इसका आंसर दे दोगे, सर ये चार, इसमें चार बनते हैं, इससे भी चार बनेंगे, और एक बड़ा वाला मेरे भाई कितने हो जाएंगे टोटल 8 और एक 9, तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, आप कहोगे सर 9। आगे बढ़ते हैं, आगे फिगर देखते हैं। तो मेरे भाई आसान है ये क्वेश्चन, इस टाइप की फिगर मैंने अभी कराई थी, पहले कंसेप्ट समझाई दिया आपको। तो मेरे भाई इससे कितने बनते हैं, आप कहोगे सर 4। दूसरी वाली फिगर से कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर 4। फिर इस वाली से कितने मिलेंगे, 4 और एक ये वाला मिलेगा बड़ा वाला, 4 और 4 8 और 12 और एक 13, तो इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 13। इस चीज को बेसिक रूप समझा चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आपके सामने इस टाइप की फिगर आएगी तो आप क्या करोगे, देखो पहले जितनी भी मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे इससे रिलेटेड वो आसान थे, आपने काउंट कर लिए। अब आपको देखना है इस टाइप की फिगर में किस तरीके से त्रिभुज काउंट करते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूं कि अंदर वाली जो त्रिभुज है वो कितना बना था, 4। तो यहां कितने, 1, इसके 4 आ गए, ये दूसरा वाला भी 4 देगा, तो 4 इसके आ गए, ये तीसरा वाला भी 4 देगा, 4 इसके आ गए। क्लियर है कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 4 के बाद क्या करना सर, एक त्रिभुज हमारा ये वाला होगा, एक त्रिभुज मेरे भाई हमारा कौन सा होगा, 4 के बाद आप क्या करोगे सर, एक त्रिभुज हमारा ये वाला भी काउंट हो जाएगा, ये 4 के बाद एक ही आ गया, तो मेरे भाई इस फिगर का तो काम खत्म हो गया, ये हमारे पास त्रिभुज आ गए पूरे। क्लियर है, एक त्रिभुज आ गया। अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरे भाई आप क्या करोगे, इन बेस पर त्रिभुज काउंट करो, सर इस बेस पर त्रिभुज काउंट करें, 1 2 3, इस बेस पर त्रिभुज काउंट करो, इस टाइप की फिगर में आपको पढ़ा चुका हूं, और इस बेस पर त्रिभुज काउंट करो मेरे भाई कितने होंगे, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 यहां से आ जाएंगे, 6 इस वाली फिगर से आएंगे और 6 इस वाली फिगर से आएंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? तो पहले कितने हो चुके थे मेरे भाई, 12 और 1 13, 13 त्रिभुज आप पहले काउंट कर चुके हो, हाँ या ना, 13 त्रिभुज आप पहले काउंट कर चुके हो, 6 और 6 12 और 6 3 18, 18 त्रिभुज आपके सामने ही आ गए, 18 त्रिभुज आपके सामने ही आ गए, 6 से आए, 6 इस वाली फिगर से आए, 6 इस वाली फिगर से आए, मेरे भाई इनसे कितने आए थे सर, इस वाली फिगर से टोटल से मिलके सबसे 13 आए थे, 13 और 18 के बाद और भी कोई पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे सर हाँ, 18 के बाद एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज भी तो काउंट होगा मेरे भाई, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज भी तो काउंट होगा, हाँ या ना, तो आप कहोगे सर एक त्रिभुज ये आपका काउंट होगा। क्लियर है कि नहीं? आपको चीजें समझ में आ रही है? तो एक बड़ा वाला त्रिभुज काउंट होगा, तो 18 के बाद एक ये हो गया, तो 13 तो पहले आपके सामने थे, 19 ही हो गए। अब मेरे भाई जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने होंगे, आप कहोगे सर इस फिगर में कितने हो जाएंगे, 32 त्रिभुज हो जाएंगे। 18 और 1 19, 19 और 13, 9 और 3 12 का 2, 2 और 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 32। तो आप कहोगे इस दी गई फिगर में कितने त्रिभुज मेरे भाई, 32। जो भी मैंने आपको बेसिक फिगर बताई थी ना, उसके आधार पर इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको बेसिक फिगर नहीं पता तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर के टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? तो बेसिक फिगर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है, इसे देखो मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा इसे देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई, आप किसी भी तरीके से करो, इसे काउंट कर लो। देखो मैं पहले इस वाली फिगर को काउंट करता हूं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, तो ये मिली हुई है इस तरीके से, यहां मेरे भाई इस तरीके से मिली हुई है ये लाइन। आप इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो, किस तरीके से काउंट करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां से देखो कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर 3, ये फिगर आपको 3 देगी इस टाइप की, हाँ या ना, इससे भी मेरे भाई 3 मिलेंगे और इससे भी 3 मिलेंगे और एक ये छोटू वाला मिलेगा, ये वाला एक ये त्रिभुज मिलेगा, हाँ या ना,
एक ही मिलेगा। तो आपके पास कितने हो गए, 3 और 3 6 और 9 और 1 10, 10 त्रिभुज हो गए। सर अभी तक आपने 10 काउंट कर लिए, 10 के बाद मेरे भाई इस फिगर का काम खत्म करो, 10 के बाद एक ये भी आएगा 11 में, 10 के बाद एक ये भी आएगा आपके पास त्रिभुज 11। अब आप 11 काउंट कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई इस वाली फिगर का तो काम खत्म हो गया, 11 काउंट कर लिए, 1 2 3, यहां से इन सब का सम करोगे कितना मिलेगा 6, यहां से इन सब का सम करोगे कितना मिलेगा मेरे भाई, यहां से भी 6 मिलेगा, और यहां से इन सब का सम करोगे मेरे भाई कितना मिलेगा, आप कहोगे 6, 6 और 6 12 और 1 18, तो 11 आपके पास पहले थे, 18 ही आ गए। तो आपने कितने काउंट कर लिए मेरे भाई, 29 त्रिभुज आप काउंट कर चुके हो अब तक, बोलो हाँ या ना। मेरे भाई आपके पास कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे सर 29 त्रिभुज हम काउंट कर चुके हैं, 11 इस वाली फिगर ने दिए थे, 3 और 3 6 9 और 1 10 और 1 बड़ा वाला 11, मेरे भाई 18 इसने दे दिए, 11 और 18 कितना हो गया 29, और बताओ और कोई त्रिभुज की पॉसिबिलिटी है। तो आप कहोगे सर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ही काउंट नहीं हुआ अभी, इस बड़े वाले त्रिभुज को काउंट कौन करेगा मेरे भाई, तो ये आपका एक बड़ा वाला त्रिभुज भी तो है, तो आप कहोगे सर एक बड़ा वाला और आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे 30, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 30 होगा, इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 30। आपको फिगर दिखाई दे रही होगी क्लियर, मैं सारे त्रिभुज बता चुका हूं किस तरीके से मैंने काउंट किए, क्लियर है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं, अगला आपके सामने एक और बेहतर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई करें कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने। कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको मैं बेसिक फिगर पहले पढ़ा चुका हूं, पहली दो वीडियो देख लें, जो बच्चा इस तीसरी वीडियो को देख रहा है इससे पहले दो वीडियो डल चुके हैं, उन दोनों वीडियो को पहले देख ले, बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो मेरे भाई 1 2 3 और 4, 4 का 2 गुना 8, 1 2 3 और 4, 4 का 2 गुना 8। तो मेरे भाई ये कॉमन लाइन कितने त्रिभुज देती है, आप कहोगे दो, कौन कौन से सर, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला बनेगा और एक इसके अपोजिट वाला ये वाला, तो दो त्रिभुज और आ गए, हाँ या ना। 8 और 8 16 और 2 18, 18 के बाद 1 19 और 1 20, दो ही आ गए, तो टोटल अभी मैं 20 काउंट कर चुका हूं, हाँ या ना। अब मैं कलर चेंज करता हूं और आगे देखते हैं, 20 के बाद मेरे भाई आप कहोगे सर 1 21वां इन दोनों को मिलाने से बनेगा, हाँ या ना, 21वां जी बनेगा। आप कहोगे सर इन दोनों को मिलाने से 1 22वां जी बनेगा, हाँ या ना, 22वां जी बनेगा मेरे भाई। तो 22 दो और आ गए, तो मेरे पास त्रिभुज कितने हुए 22, क्लियर है। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं इस बेस की बात करूं, इस बेस पर बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर 1 और 2 3 3 मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें आ रहे कितने हो गए 22 और 3 25, 3 ये हमने ऐड कर लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पूरे को बेस मान के बात करूं मेरे भाई, अगर मैं इस पूरे को बेस मान के बात करूं, तो आपको एक आकृति और दिखाई देगी, आपको एक आकृति, इसे पूरे को बेस मानोगे तो आप कहोगे सर इसको पूरे को बेस मानने से ये तीन त्रिभुज इस तरीके से 1 और 2 3 त्रिभुज और मिलेंगे, तो 22 और 3 आपके पास कितने हो गए, आप कहोगे सर 28। अब तक आप 28 त्रिभुज काउंट कर चुके हो, हाँ या ना, बोलो मेरे भाई 28 त्रिभुज आप काउंट कर चुके हो। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपको दिखाई देगा, 28 आप त्रिभुज काउंट कर चुके हो। अब देखना 28 के बाद और पॉसिबिलिटी क्या है, और त्रिभुज कौन कौन से हैं, तो आपको अभी और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई कौन कौन से। अगर आप इस लाइन को इस तरीके से मिलाओगे और इस लाइन को इस तरीके से मिलाओगे और इस लाइन को मेरे भाई इस तरीके से मिलाओगे, तो आपको मेरे भाई एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, 28 के बाद 1 29वां ये, और आप कहोगे सर एक इसके अपोजिट दिखाई देगा इस तरीके से, इसे यहां मिलाओ, इसे यहां, और मेरे भाई इस तरीके से, तो दो त्रिभुज आपके पास और आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, तो आप कहोगे सर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए तो मेरे भाई कितने हो जाएंगे 30, 28 और 2 30। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई D1 इज करेक्ट, D आंसर इसका सही होगा। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 30 त्रिभुज हैं, वो मैं आपको काउंट करके दिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके सामने एक और बेहतर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, आपके सामने एक और बेहतर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे भाई मैं बात करूं, अगर एक चीज देखो, अगर मैं इस तरीके की कोई भी फिगर बनाता हूं इस तरीके से, और उसके डायगोनल टू डायगोनल इस तरीके से कट कर रहे हैं मेरे भाई, उसके डायगोनल एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4,
चार का दोगुना करोगे मेरे भाई आठ, तो इस फिगर में आठ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप एक फिगर देख पा रहे हो उसमें इस तरीके की बनी हुई है, हाँ या ना? अरे मेरे भाई इस तरीके की फिगर आपको दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर हाँ दिखाई दे रही है। तो आप पहले इसी फिगर में काउंट कर लो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो। या दूसरा तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा, एक बार इस तरीके से काउंट कर लो। देखो अगर ये लाइन ना होती, इस लाइन को हटा दिया जाए, सपोज करो ये लाइन है नहीं अभी आपके पास, सपोज करो मेरे भाई ये लाइन आपके पास अभी है नहीं, कौन सी वाले, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ये लाइन आपके पास नहीं है। अगर ये लाइन ना हो तो आप बताओ इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? आप कहोगे सर कुछ नहीं, एक चतुर्भुज बनेगा और उसके वर्टेक्स से वर्टेक्स डायगोनल कट कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर कितने त्रिभुज होंगे इसमें? आप कहोगे सर आसान है, अब तो एक दो तीन और चार, चार का दोगुना करोगे मेरे भाई कितने आ गए, आठ आ गए, हाँ या ना? आठ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे भाई उस लाइन को मैं खींच देता हूं, अभी नहीं खींच रहा, अभी देखो आठ के बाद एक आपके पास ये आ जाएगा, एक दो तीन और मेरे भाई चार। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, आठ तो आपके पास थे, चार ये और आ गए, तो आप कहोगे सर चार ये और आ गए तो कितने त्रिभुज हो गए? आप कहोगे सर बारह, हाँ या ना? आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, बारह त्रिभुज हो गए हमारे पास मेरे भाई, कितने त्रिभुज हो गए? आप कहोगे सर बारह। अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, बारह के बाद बारह त्रिभुज हो गए, अब मैं इस लाइन को खींचने से देखूंगा क्या इंपैक्ट आएगा। बारह में काउंट कर चुका हूं, अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर फिगर होती तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती मेरे भाई, बारह होती, क्लियर है? अब देखना है आपके पास और कौन से त्रिभुज आने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं एक लाइन खींचने वाला हूं मेरे भाई, किस तरीके से देखो, इस तरीके से। अब मैं आपको इस लाइन को देख पा रहे, गौर से देखो इस लाइन को, गौर से देखो मेरे भाई, आपके सामने एक लाइन दिखाई दे रही है, सर इस टाइप की लाइन खींच दी मैंने, हाँ या ना? अब इस लाइन के आने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस लाइन के आने से सर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या त्रिभुजों की संख्या बढ़ेगी? तो मेरे भाई हाँ बढ़ेगी, कितने? तो एक चीज ध्यान से देखो सर, इसे ये बेस मिल गया तो त्रिभुज कौन कौन से बढ़े, एक तो ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, और ये लाइन पहले थी नहीं, तो एक बड़ा वाला और जीव मिल गया इसके लिए बेस, तो त्रिभुज कितने और बढ़ गए मेरे भाई, बारह के बाद तीन और बढ़ गए, बारह और तीन कितने हो गए, पंद्रह हो गए, हाँ या ना? तो मेरे भाई बारह और तीन कितने हो गए, पंद्रह, क्योंकि इस लाइन के आने से एक त्रिभुज तो आपको ये वाला मिलेगा, हाँ या ना? एक मेरे भाई इसके अपोजिट वाला, एक इसको पूरा बेस मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा, तो बारह और तीन कितने हो गए, पंद्रह। तो इस लाइन के आने से मेरे भाई जो त्रिभुजों की संख्या बढ़ी है वो तीन बढ़ी है, बताओ इसको बेस मान के और कोई त्रिभुज पॉसिबल है? अब तो कोई बनेगा नहीं मेरे भाई, इधर देखोगे इधर भी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो इसके आने से तीन त्रिभुज और बन गए, तो आपका बारह और तीन कितना हो जाएगा, पंद्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, डी वन इज करेक्ट, डी आंसर इसका सही होगा। बताओ आपको कोई और त्रिभुज दिखाई दे रहा है? सर और कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता, किससे मिलाओगे इस बेस को? मिलाओ मेरे भाई, यहां मिलाओगे तब भी नहीं बनेगा, ये चतुर्भुज टाइप का बनेगा, आप इससे मिलाओगे तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इन्हें तो मैं काउंट कर चुका हूं, इन्हें आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई इसके आने से तीन त्रिभुज और आएंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो पंद्रह होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली फिगर को देखते हैं, तो बारह और तीन आपका पंद्रह। और किस तरीके से काउंट कर सकते हो, एक और तरीका मैं आपको इसको बताता हूं। देखो एक और तरीका कौन सा, एक और तरीका देखते हैं किस तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हो। देखो मेरे भाई, आप देखो मेरे भाई, अब किस तरीके से काउंट करोगे मेरे भाई, इस बेस पर देखो मुझे कितने त्रिभुज मिलेंगे। आप कहोगे सर तीन, मैं इन वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। मैं कौन से वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं? सर इस वाले पर कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो आप कहोगे सर तीन। इस वाले बेस पर आ जाओ मेरे भाई, अब आप कहोगे सर यहां कितने मिलेंगे, तो मैं कहूंगा फिर से यहां तीन, तीन मिलेंगे। अब नीचे वाले बेस पर आओगे तो यहां से भी आपको कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे। तो अब तक आप कितने त्रिभुज काउंट कर चुके हो मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तक आप कितने त्रिभुज काउंट कर चुके हो, अब तक आप कितने त्रिभुज काउंट कर चुके हो, ध्यान से देखो सर, तीन और तीन छह और तीन नौ, नौ त्रिभुज आप काउंट कर चुके हो, नौ त्रिभुज आप काउंट कर चुके हो। अभी और देखना, नौ के बाद मेरे भाई एक त्रिभुज इन दोनों को मिलाओगे तो एक त्रिभुज ये भी तो मिलेगा, हाँ या ना? एक त्रिभुज आपको ये भी मिलेगा और एक इसके अपोजिट वाला मिलेगा, एक इसके अपोजिट वाला मिलेगा। नौ और चार कितना हो गया मेरे भाई, नौ और चार कितना हो गया, नौ और चार तेरह, तेरह हो गया, तेरह त्रिभुज हो गए, तेरह त्रिभुज हो गए। तो तेरह के बाद मेरे भाई, तेरह के बाद देखो तीन और तीन छह और तीन तेरह नौ, क्योंकि इस वाले बेस पर मुझे तीन मिले थे, इस वाले बेस पर मुझे तीन मिले थे, इस वाले बेस पर मुझे तीन मिले थे, क्लियर है कि नहीं? तीन और तीन छह तीन नौ, नौ के बाद मेरे भाई आपको त्रिभुज एक मिल, ये मिल गया, नौ के बाद दस और दस के बाद एक ग्यारह, तो दो त्रिभुज और मिल गए आपको,
दो त्रिभुज और मिल गए, ये चार कैसे लिख दिया हमने, दो त्रिभुज और मिल गए। कौन कौन से सर? एक तो त्रिभुज आपको ये मिलेगा और एक त्रिभुज ये मिलेगा, तो 11 हो गए। 11 के बाद आप देखो कौन कौन से त्रिभुज हैं, और तो कोई बनेगा नहीं 11 के बाद, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि त्रिभुज बने। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15, तो चार त्रिभुज और मिल गए। 11 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 15। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा D1 इज करेक्ट, डी आंसर आपका सही होगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं। कॉल किसकी हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई। आप क्या करोगे, इस टाइप की फिगर जब भी आपके सामने आएगी तो आपको किस तरीके से त्रिभुज काउंट करने हैं? देखो मेरे भाई, जी जो फिगर है ना, आपको मैं दिखाता हूं पूरी प्रॉपर दिखाई दे। देखो आपको जो फिगर दिखाई दे रही है, आपको जो फिगर दिखाई दे रही है, हाँ थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, आपको जो फिगर दिखाई दे रही है, आपको जो फिगर दिखाई दे रही है इस टाइप की, तो आपको क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरे भाई जो लाइन है ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये टेढ़ी बनी हुई है, पर ये स्ट्रेट लाइन है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है, ये इस तरीके से जो है ना, ये पूरी स्ट्रेट है, इस तरीके से मिली हुई है, ये पूरा होना चाहिए था। चलो इसे नहीं है तब भी फिर इसका उसके हिसाब से आंसर देखते हैं। ये टेढ़ी है, यहाँ से टेढ़ी हो जाएगी, बैक हो जाएगी, तो मेरे भाई ये अलग लाइन हो जाएगा। अगर स्ट्रेट करेंगे तो त्रिभुजों में अंतर आ जाएगा। अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो एक्चुअल में फिगर थोड़ा सा इस तरीके से नहीं थी, ये स्ट्रेट लाइन थी। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो त्रिभुज कितने आएंगे? 1, 2, 3 और 4, यहाँ से 8 मिलेंगे। अब यहाँ देखो मेरे भाई, इस टाइप की फिगर यहाँ भी बनी हुई है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ से भी आपको 8 मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर मेरे भाई ये लाइन थोड़ी सी बेंड हो रही है तो ये दो लाइन हो जाएंगी अलग अलग। अगर मेरे भाई ये लाइन सीधी होती तो फिर इसका इंपैक्ट अलग होता, इसका इंपैक्ट अलग होता। क्या कि सर एक त्रिभुज ये वाला और काउंट हो जाता हमारा, पर ये टेढ़ी हो रही है, हम इसे अभी काउंट नहीं कर रहे। देखेंगे किसके अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है। पर आप कहोगे सर ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? अरे मेरे भाई ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो इस वाले बेस पर तो एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो 8 और 8 16, तो एक त्रिभुज और बनेगा। 8 और 8 16, एक त्रिभुज इस बेस पर मान लिया हमने, ये वाला बनेगा क्योंकि ये तो पूरी स्टेट है। 16 और 1 17। अब देखो और क्या पॉसिबिलिटी और त्रिभुजों की, तो क्या इन दोनों फिगरों को और कंबाइन करोगे और तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं? 16 के बाद मेरे भाई एक जो त्रिभुज बनेगा ना, एक त्रिभुज आप कहोगे सर एक त्रिभुज ये और बनेगा, हाँ या ना? तो 16 के बाद एक त्रिभुज ये बनेगा, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, और एक त्रिभुज हम पहले ये काउंट कर चुके थे, 16 के बाद 17, और एक त्रिभुज मेरे भाई ये वाला बनेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? 16 17 और 1 ये वाला त्रिभुज 18। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 18 होंगे। क्लियर है कि नहीं? इसके अकॉर्डिंग अगर ये लाइन मेरे भाई स्ट्रेट लाइन ये भी होती ना, ये पूरी सीधी सीधी लाइन होती, तो मेरे भाई एक त्रिभुज और काउंट हो जाता, बल्कि ये बेंड हो रही है, इस तरीके से झुकी हुई है, तो इसे आप काउंट नहीं करोगे। क्लियर है? तो मेरे भाई कौन कौन से हो गए? 8 सर यहां से मिले, 8 और 8 16, 16 इस बेस पर देखोगे तो 16 और 1 मेरे भाई ये वाला त्रिभुज होगा, 16 के बाद 1 17, 17 के बाद मेरे भाई ये वाला त्रिभुज बनेगा, 17 के बाद 1 18 में ये बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसमें? आप कहोगे सर 18 हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर 18 इसका सही आंसर होगा। अगर ये मेरे भाई स्ट्रेट होती पूरी तो एक ये वाला जुड़ता, बल्कि जुड़ेगा नहीं, बैंड है, तो इसमें 18 होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें मेरे भाई। आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पर जरूर देखें, जिससे आपको, मैं देखो धीरे धीरे समझा रहा हूं जिससे आपकी चीजें समझ में आए, पर आपको थोड़ा सा फास्ट करके देखना है इसे, जिससे आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से जल्दी भी समझ सकते हो। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कहोगे सर एक त्रिभुज ये है, हाँ या ना? एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज मेरे भाई ये रहा 2, और एक इस तरीके से तीसरा ये होगा, ये तो आपको दिखाई दे रहा है 3, और ये एक ये 4। बड़े बड़े त्रिभुज मेरे भाई कितने? 4 हैं। तो 4 तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 त्रिभुज मैं आपको काउंट कर चुका हूं, तो मेरे भाई बड़े वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 4 है। 4 हम त्रिभुज काउंट कर चुके हैं, 4 बड़े वाले त्रिभुज है। तो हमने बड़े वाले जो त्रिभुज काउंट किए हैं वो कितने आ गए हमारे पास? 4 आ गए। 4 के बाद मेरे भाई आप त्रिभुज देखो, एक वाला आपको ये त्रिभुज मिलेगा, एक ये वाला, हाँ या ना? दूसरा त्रिभुज कहां मिलेगा सर? आप कहोगे सर दूसरा वाला जो त्रिभुज है ये छोटू सा ये दिखाई दे रहा है, दूसरा 2 हो गए। और त्रिभुज कौन सा मिलेगा मेरे भाई? आप कहोगे सर एक और त्रिभुज मिलेगा, कौन सा मेरे भाई? एक त्रिभुज ये मिलेगा और एक त्रिभुज छोटू वाला मिलेगा। तो 4 के बाद 5,
छः, सात और आठ, चार और हम काउंट कर चुके हैं, चार और हम काउंट कर चुके हैं, और देखते हैं मेरे भाई और क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप कहोगे सर एक ये भी तो बनेगा, मैं कहूँगा हाँ मेरे भाई एक ये भी बनेगा। मेरे भाई अब एक चीज बताऊँ, आपने चार तो त्रिभुज पहले काउंट कर लिए थे, कौन कौन से? सर एक दो बड़ा वाला, तीन और एक चार, चार काउंट कर चुके थे। और नए त्रिभुज कितने आ गए? सर चार के बाद पांचवा ये आ गया, छठा ये छोटू वाला आ गया, सातवां मेरा ये आ गया, आठवां मेरा ये आ गया और नवा त्रिभुज ये आ गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने आ गए मेरे भाई? एक ही आ गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे? नौ। बल्कि इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी? नौ होगी। एक बार और काउंट करा चुका हूं, एक दो तीन चार, चार ही हो गए। चार के बाद पांचवा सर ये हो गया, पांच के बाद छठा छोटे वाला त्रिभुज हो जाएगा, सातवां ये हो जाएगा, आठ ये होगा छोटे वाला और नवा आपका ये हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे मेरे भाई? इसमें नौ होंगे। जो आपका जो आंसर होगा करेक्ट वो क्या होगा? नौ होगा। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं तो इसका आंसर होगा मेरे भाई नौ। तो डी वन इज करेक्ट, डी आंसर आपका सही है। आप बेहतर तरीके से इस फिगर को समझ पा रहे हो, एक बार और देख लेना, ठीक है। चार में आपको काउंट करा चुका हूं, पांचवा ये होगा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, नौ त्रिभुज। आपका आंसर भी मैंने सही कर दिया, नौ। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बेहतर क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, एक बार आप खुद काउंट करने की कोशिश करें इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको मैं इस टाइप की फिगर करा चुका हूं पहले, आपको मैं इस टाइप की पहले फिगर करा चुका हूं मेरे भाई, दो पार्ट मैंने कराए थे, उसमें इस टाइप का बेसिक मैंने बताया था किस तरीके से काउंट करोगे इस बेस पर, एक दो तीन। तो मेरे भाई यहां से त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी? छह। अब मैं इस वाले बेस पर काउंट करें, इस वाले फिगर के त्रिभुज काउंट करता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक दो तीन चार और पांच, मेरे भाई यहां से कितना मिलेगा? नौ, बारह और दो चौदह और एक पंद्रह। तो यहां से मुझे कितने त्रिभुज मिले? पंद्रह ये मिल गए, हाँ या ना। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखना कि इस टाइप की जब भी फिगर होती है, इस टाइप की जब भी फिगर होती है तो उसमें त्रिभुज वर्टेक्स से वर्टेक्स अगर ये कट कर रहा है तो उसमें जो त्रिभुजों की संख्या काउंट कैसे करते हैं? एक दो तीन और चार, चार का दो गुना कर देते आठ आ जाते हैं। क्लियर कि नहीं? तो मेरे भाई एक चीज बताओ, अब मैं क्या कर चुका हूं? देखो अगर मैं इस फिगर में इन त्रिभुजों को हटा दूं, इन त्रिभुजों को हटा दूं, भीतर वाले ये त्रिभुज अगर हटा दिए जाएं तो आप कहोगे सर इस टाइप की फिगर बन जाएगी। क्लियर? तो आप इसमें काउंट करोगे तो आठ आएंगे। बल्कि मैं इस वाले त्रिभुज को मेरे भाई पहले ही काउंट कर चुका हूं, इस वाले त्रिभुज को मैं पहले काउंट कर चुका हूं तो इस वाले त्रिभुज को दोबारा काउंट नहीं करूंगा। पंद्रह और छह कितना हो गया? आप कहोगे सर इक्कीस, इक्कीस हो गया कि नहीं? अरे मेरे भाई आप कहोगे सर इसमें कितना हो गया? 21 हो गया। 15 और 6 कितना हो गया आपका? 21। 21 के बाद मेरे भाई अब इसमें अगर इस वाली फिगर की बात करूं तो इसमें मेरे भाई कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते? आप कहते सर इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 बनते जब आप इस वाले त्रिभुज को भी काउंट कर रहे होते। ये तो आप कर चुके, इसे आप काउंट कर चुके तो आप इसे दोबारा काउंट नहीं करोगे। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे आपके कितने बचे? सात बचे। तो सात आप क्या कर लोगे? इसमें ऐड करोगे और 21 और सात कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इस जो फिगर में मेरे भाई त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी? 28 होगी। क्लियर कि नहीं? छह यहां से मिले, 15 यहां से मिल गए। 15 में मेरे भाई ये भी बड़ी वाली फिगर का त्रिभुज काउंट हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाई ये वाली फिगर कितनी देती है? आठ देती है। तो आठ देती है, आठ ना लिखोगे अब कितने जोड़ोगे? सात, क्योंकि पहले आप इसे काउंट कर चुके हो। तो 21 में सात जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। क्लियर है? आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई डी वन इज करेक्ट, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हाँ या ना। आपको तरीका समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे एक और आपके सामने बेहतर फिगर है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करना है मेरे भाई, आपको मैं बेसिक फिगर बताता हूं आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपके सामने कुछ इस तरीके की फिगर आपने पढ़ा है, कुछ इस तरीके की फिगर आपने पढ़ी होगी मेरे भाई, इस तरीके की। देखो इसमें कैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करते हैं, आपसे कहूं इसमें कितने त्रिभुज हैं? आपको सर एक दो तीन चार पांच और छह, छह के बाद एक बड़ा वाला ये सात और एक ये आठ। तो इस वाली फिगर में मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने? आठ। अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज करूंगा, देखो किस तरीके से मैंने मेरे भाई इस तरीके से एक लाइन खींच दी, इस तरीके से मैंने एक लाइन खींची, तो इस लाइन के आने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल नए और बढ़ जाएंगे, आपको उन त्रिभुजों को क्या करना है? काउंट करना है। तो आप देखो मेरे भाई इसके आने से एक त्रिभुज तो ये बनेगा छोटू वाला, हाँ या ना। दूसरा इस बेस के साथ ये बनेगा मेरे भाई, दूसरा ये बनेगा, हाँ या ना। और तीसरा इसके साथ ये वाला बनेगा तीन। तो एक लाइन के आने से मेरे भाई नए त्रिभुजों की जो संख्या आती है वो तीन आती है, हाँ या ना।
अब मेरे भाई 8 और 3 कितना होगा 11, तो इस वाली फिगर में 11 त्रिभुज होंगे। अगर मैं इसे और मॉडिफाई कर देता, यहां और एक लाइन खींच देता, तो आप कहते सर यहां से भी 3 आ जाते, 8 और 3 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो अब इस टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने हो जाते, 14 ट्रायंगल हो जाते। क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है? अगर मेरे भाई मैंने यहां से एक लाइन खींची तो मुझे 3 ट्रायंगल दिखाई दिए। एक बार और काउंट करके देखो मेरे भाई कौन कौन से। सर इस लाइन के आने से एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल आया था, एक सर ये छोटा वाला ट्रायंगल आया था, और एक मेरे भाई ये इस तरीके से ट्रायंगल आया था, तो 3 ट्रायंगल वो आ गए। अगर ऐसे इस लाइन को खींचोगे मेरे भाई 3 और आ जाएंगे, तो 8 और 3 11, और 3 कितना हो जाएगा 14। अगर इस फिगर में पूछता तो आप कहते सर 14 त्रिभुज हैं। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरे भाई होता क्या है, जब मेरे भाई इस तरीके से तो लाइन मैंने यहां खींची, अगर इनके लाइन 3 आते हैं, जब मेरे भाई तुरंत इसके साइड इस वर्टेक्स से मिलाते हुए आप एक लाइन खींचते हो, इस वर्टेक्स से मिलाते हुए आप लाइन खींचोगे, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको देखना। सर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको समझना है मेरे भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, होगा क्या, इस तरीके से आपने इसे मिलाया तो मुझे पता चल गया 3 मिल गए। 3 कौन कौन से मिल गए वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैंने गलती से यहां से देखो 3 तो आप काउंट कर चुके हो ना, एक तो ये बनेगा मेरे भाई, कौन सा बनेगा 3 दिखाते हैं, एक तो ये बनेगा छोटे वाला, हाँ या ना। अरे एक तो ये बनेगा इसके आने से, दूसरा कौन सा बनेगा सर, दूसरा बनेगा मेरे भाई इस लाइन के आने से, दूसरा इस तरीके से बनेगा इस लाइन के आने से, एक तो ये मिल गया इस लाइन के आने से, एक दूसरा आपको इस तरीके से मिलेगा इस तरीके से। अब मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, इस लाइन के आने से तीसरा कौन सा मिलेगा, तो आपको तीसरा ये दिखाई दे रहा है ये वाला, इस तरीके से तीसरा वाला ये बनता है। अब मेरे भाई इसके पास में मैं एक और लाइन खींचता हूं, तो होता क्या है, अब आपको पता है ये लाइन एक और त्रिभुज बनाएगी मेरे भाई, ये लाइन के आने से इस लाइन के आने से भी 3 त्रिभुज आ जाएंगे। 3 त्रिभुज आ जाएंगे कौन कौन से, एक बार गिन लेते हैं, एक बार गिनते हैं मेरे भाई कौन कौन से 3 त्रिभुज आएंगे। तो आप कहोगे सर एक तो ये छोटा वाला आ गया, हाँ या ना, एक मेरे भाई ये आ जाएगा, एक ये आ गया, और कौन सा त्रिभुज आएगा, एक और त्रिभुज, देखो एक ये छोटा वाला आ गया इस लाइन के आने से, एक ये आ गया इसके साथ, और एक और देखोगे तो एक मेरे भाई ये वाला त्रिभुज भी तो आएगा, ये वाला त्रिभुज इस लाइन के आने से एक त्रिभुज मेरे भाई ये आ जाएगा। 3 तो ये आ गए, पर मेरे भाई जब भी इनके वर्टेक्स यहां आके मिलते हैं तो एक कॉमन त्रिभुज और आता है, एक कॉमन त्रिभुज आता है, जब वर्टेक्स के मिलते हैं तो वो एक वर्टेक्स ही कॉमन त्रिभुज देता है। जब आप इन दोनों को मिलाओगे, पूरा त्रिभुज जो बनेगा बड़ा वाला, एक ये और बनेगा एक्स्ट्रा। तो मेरे भाई जब तक ये लाइन दूर दूर होंगे, इनके वर्टेक्स आपस में नहीं मिलने होंगे, तो 3 इंडिविजुअली अलग अलग देंगे, जैसे 3 इसने दिए थे लाइन ने, यहां कोई वर्टेक्स से कोई लाइन नहीं मिल रही थी इस तरीके से यहां। तो मेरे भाई इसके आने से 3 यहां आए थे, अब इसके वर्टेक्स से ये दोनों लाइनें मिल गई, ये भी मिल गई मेरे भाई, ये भी मिल गई। तो आपको पता है इस लाइन के आने से तो 3 आए थे, इस लाइन के आने से भी 3 आए थे, पर मेरे भाई जब पूरी दोनों वर्टेक्स यहां एक दूसरे को मिले तो एक जो बड़ा वाला त्रिभुज आ गया वो एक और नया आ गया। तो यहां एक और वर्टेक्स पर मिलने से क्या आता है, एक त्रिभुज नया आता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको फिगर दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूं इस फिगर में कितने होंगे, तो पहले मेरे भाई आपको 8 थे, 8 3 और 3 6 3 3 9, 8 में मेरे भाई 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 त्रिभुज हो गए। 17 के बाद एक वर्टेक्स पर मिल रहा है तो वर्टेक्स का एक और जोड़ना पड़ेगा, तो इस फिगर में कितने हो जाएंगे, 18। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इस कंसेप्ट को हम यहां कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे बताएंगे विद इन सेकंड, वो देखना। तो यहां इस वाली फिगर में कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे सर 18, जो मैंने आपको काउंट करा दिए। अगर लाइन मेरे भाई अलग अलग है, एक लाइन आएगी 3 त्रिभुज आएंगे, अगर उसके साथ दूसरी लाइन वर्टेक्स से मिलकर इस तरीके से आ जाएगी, तो मेरे भाई 3 तो इसके आने से आएंगे, पर एक अगर वर्टेक्स यहां मिल रहा है तो एक त्रिभुज इस वर्टेक्स से और आएगा मिलने से पूरा वाला, तो ये चौथा और आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको तरीका पता चल गया। अब हम देखते हैं मेरे भाई इस वाली फिगर में क्या होगा, इस वाली फिगर में कितने त्रिभुज होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सर इस वाली फिगर में क्या है, देखो ये वाली जो ये फिगर कौन सी है मेरे भाई, ये इस तरीके की तो फिगर है, ये इस तरीके की फिगर बनी हुई है आपके सामने मेरे भाई, इस तरीके, इससे मैं रफ कर देता हूं, देखो कुछ नहीं है आपके सामने जो फिगर है, मैं दिखाता हूं कौन सी फिगर बनी हुई है, इस तरीके की आपके सामने ये फिगर बनी हुई है। बस मेरे भाई पहले बेसिक फिगर थी ये थी, तो इसमें पता आपको 8 होते हैं, 8 होते हैं। अब उसने क्या किया है, फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, किस तरीके से, सर उसने यहां से इसे मिलाया, उसने मेरे भाई किस तरीके से मिला दिया है, देखो समझो ध्यान से समझो,
यहां से इस तरीके से मिलाया, इस तरीके से मिलाया, तो आपको पता है इसके आने से कितने आएंगे, तीन। आपको पता है इसके आने से कितने आएंगे, तीन। फिर इस तरीके से मिलाया गया तो यहाँ भी तीन आएंगे, और यहाँ भी आपको पता है तीन त्रिभुज आएंगे। इसे मिलाओगे तो इसके आने से भी मेरे भाई तीन आएंगे, और इसे मिलाओगे तो इसके आने से भी क्या आएंगे, तीन आएंगे। प्रत्येक लाइन के आने से मेरे भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आते हैं, तीन आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये फिगर दिखाई दे रही है कोने वाली। अब देखो मेरे भाई, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, मैंने एक चीज और बताई थी मेरे भाई, जहां भी वर्टेक्स पर दो लाइनें आपस में मिलती हैं वहां से एक त्रिभुज और आता है। तो आप कहोगे सर हाँ, एक त्रिभुज यहां से आएगा, एक त्रिभुज यहां से आएगा, एक त्रिभुज मेरे भाई यहां से आएगा, एक त्रिभुज मेरे भाई यहां से आएगा, एक त्रिभुज यहां से आएगा, और एक त्रिभुज यहां से आएगा। तो मेरे भाई पहले कितने थे, आठ तो पहले वाली फिगर में थे, और तीन और तीन छह, तीन तीन और तीन चौक अर्थ पांच, पंद्रह और तीन छह अठारह, अठारह यहां से आ गए, अठारह प्रत्येक वर्टेक्स से कितने आ गए, छह और आ गए। तो मेरे भाई ये हो गए अठारह और आठ कितना हो गया मेरे भाई, छब्बीस हो गया। छब्बीस और छह कितना हो जाएगा, बत्तीस। तो इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे आपके कितने हो जाएंगे, बत्तीस हो जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये आपकी सेम फिगर यही है सर, कैसे कि आठ तो भीतर वाली में, आठ तो आपको इस वाली अंदर वाली फिगर में दिखाई दे रहे हैं, आठ के बाद तीन यहां से मिलेंगे इस वाली लाइन से, तीन इस वाली लाइन से, तीन इस वाली लाइन से मिलेंगे, तीन मेरे भाई इससे मिलेंगे, और तीन आपको इससे मिलेंगे, तीन इससे मिलेंगे। तो अठारह आपके पास ये आ जाएंगे। वर्टेक्स यहां मिल रहा है, एक मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो छह टोटल जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास कितने आ जाएंगे, तो आप कहोगे 32 आएंगे। तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा, D1 इज करेक्ट, D आंसर इसका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 32, तो आपका D करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस प्रकार की आपके सामने फिगर है। आपके सामने एक और बेहतर फिगर है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने एक और फिगर दिखाई दे रही है, इसका आंसर क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई। इस वाली फिगर का देखते हैं किस तरीके से आंसर देना। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है चतुर्भुज टाइप का, पहले आप इस वाली फिगर में काउंट करते हैं, पहले आप इस वाली फिगर में काउंट करो कितने होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप मेरे भाई देख पा रहे हो उस फिगर को किस तरीके से, सर तीन त्रिभुज तो मुझे यहां से मिलेंगे इस वाली फिगर से, तीन त्रिभुज मुझे इस वाली फिगर से मिलेंगे, हाँ या ना? क्लियर है मेरे भाई, तीन यहां से मिलेंगे, तीन के बाद एक ये मिलेगा चौथा वाला, चौथा वाला ये मिलेगा, पहले इसी को देख लेते हैं, चार हो गए, चार के बाद भाई मेरे भाई एक ये मिलेगा पांचवा, कौन सा, इसे तो मैं काउंट कर चुका हूं, तीन पहले एक ये चौथा वाला, इसे काउंट कर चुके। और देखो और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या और भी कोई त्रिभुज बनेगा, तीन मेरे भाई यहां से मिल गए, एक त्रिभुज यहां से मिल गया, अब देखो क्या और कोई त्रिभुज मिल सकता है, तो कहोगे सर अभी यहां से और कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अब मैं करता हूं आपसे इस वाली फिगर की बात। तो एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा इस तरीके से, क्लियर, एक त्रिभुज मैंने ये ले दिया आपका ये वाला, क्लियर। अब देखो मेरे भाई आगे वाली फिगर आपको दे रखी है किस प्रकार, मेरे भाई एक आपके सामने ये छोटू वाला त्रिभुज आ जाएगा, एक ये, इसे और लिख लो, एक ये त्रिभुज होगा। अब आप देखो मेरे भाई इस वाली फिगर को देखो, इस वाली फिगर को देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने दिखाई देंगे आपको, इस वाली फिगर को, इस वाली फिगर में आप कहोगे सर तीन इस फिगर से और आएंगे, तीन यहां से और आएंगे, तीन यहां से आपके सामने और आ जाएंगे। अब देखो क्या और कोई पॉसिबिलिटी है ट्रायंगल की, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है सर। देखो अभी आप मेरे भाई इस पूरी फिगर को मिलाओगे तो एक त्रिभुज ये वाला मिलेगा आपको, एक त्रिभुज सर ये अभी काउंट नहीं किया हमने, एक त्रिभुज ये भी तो मिलेगा पूरे बेस पर, अरे भाई इसके साथ ऐसे मिलाओगे तो एक त्रिभुज आपका ये भी मिलेगा, हाँ या ना, एक त्रिभुज ये भी मिलेगा, तो एक ये हो गया। अब आप देखो क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे सर हाँ है, कौन सी मेरे भाई, एक त्रिभुज ये भी तो है आपका, ये आपने अभी काउंट नहीं किया, एक त्रिभुज आपके पास ये। तो आपको कभी कभार मेरे भाई फिगर जब आपकी बेसिक फिगर की अप्रोच नहीं लग रही होगी तो आपको त्रिभुज काउंट भी करने पड़ सकते हैं। तो आप देखो कितने हो गए, तीन ये हो गए मेरे भाई, तीन और तीन छह, तीन तीन नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद एक ग्यारह, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हम कितना काउंट कर चुके हैं, ग्यारह। ग्यारह के बाद देखना है क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है त्रिभुज के बनने की, क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है, तीन और तीन छह, छह और तीन नौ, नौ और एक दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह त्रिभुज हम काउंट कर चुके हैं। आप देखो क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ सर एक और पॉसिबिलिटी है, ग्यारह के बाद और भी त्रिभुज बनेंगे जो आपने अभी नहीं काउंट किया।
ग्यारह के बाद एक चीज बताओ मेरे भाई, अभी मैंने इसके साथ इस त्रिभुज को तो नहीं मिलाया ना, ये वाला त्रिभुज अभी काउंट मैंने किया ही नहीं है, ये वाला त्रिभुज का काउंट किया है, ये यहां से इस तरीके से। तो मेरे भाई ग्यारह के बाद जो एक ये बनेगा आपका बारहवा ये बनेगा, हाँ या ना, बारहवा ये बनेगा। तो इसमें ग्यारह के बाद एक और त्रिभुज जोड़ना पड़ेगा, तो एक त्रिभुज ये और आएगा आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, बारह हो जाएंगे। अब शायद कोई मुझे लग नहीं रहा कि इसमें त्रिभुज बचाओ, तो मेरे भाई बारह हो जाएंगे आपके त्रिभुज। बताओ और भी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको कि और भी त्रिभुज कोई निकल सकता है? मेरे भाई अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि त्रिभुज बने। बारह के बाद हम काउंट कर चुके हैं बारह तक, बारह तो काउंट कर चुके हैं, बारह तो काउंट कर चुके हैं बारह। अब देखो कोई त्रिभुज आपको और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है? हाँ मेरे भाई देखो, क्या सर हम इस त्रिभुज को काउंट कर चुके हैं? किस वाले को? इसको मैं काउंट कर चुका हूँ, इस वाले को भी काउंट कर चुका हूँ। बारह के बाद एक और त्रिभुज हमारे पास हो सकता है, कौन सा? ये अभी हमने शायद नहीं काउंट किया। बारह के बाद ये वाला त्रिभुज हमने काउंट किया कि नहीं? बारह के बाद ये तेरहवां त्रिभुज हमने अभी काउंट नहीं किया। स्टेप से ये एक तेरहवां ये बनेगा, तेरहवां ये बनेगा, तेरहवां ये बनेगा, तेरह। अब देखो क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है, और भी कोई पॉसिबिलिटी है? तेरह बन गए, सो सर तेरह तो कोई ऑप्शन नहीं। देखो आठ तो आपका होगा नहीं, चौबीस इसमें बनेंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे। अगर कभी पजल भी हो जाओ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेना मेरे भाई। अब इसमें बारह नहीं होंगे, बारह क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बारह तक आप काउंट कर चुके हो। कभी कभी क्या होगा कि आप सही गिनने होंगे, कभी पजल भी हो सकते हो, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा चुके हो। बारह के बाद भी अभी एक यहां और काउंट कर चुका था तेरहवां ये, अब मेरे भाई तेरह। अब मुझे पता है एक और त्रिभुज है, या तो मैं काउंटिंग में उसे भूल चुका हूं या मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि एक और त्रिभुज मेरे भाई इसमें रह रहा है। तेरह तक हम काउंट कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे मेरे भाई, इनको आपको नहीं देखना। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी? आपका आंसर जो होगा बी बन, बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही होगा। अब एक त्रिभुज हमें पता है कि तेरह तक हम कर चुके हैं, पर एक त्रिभुज कौन सा छूट रहा है उसे देखते हैं। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमने आंसर दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार क्या होगा, अगर ऑप्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन दे रखा है और आप तीन ऑप्शन को काट पा रहे हो, एक का त्रिभुज आपका छूट भी रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर दे सकते हो, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभार हो जाता है कि बाय मिस्टेक आप एक आध दो त्रिभुज को भूल सकते हो, या एक आध दो काउंटिंग भी गलत होगी तब भी आप पे मिस्टेक हो सकती है। बहुत अब आप देख रहे हो ऑप्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन, 24 तो होगा नहीं, क्योंकि 24 तो मिलने वाले हैं नहीं, आठ से तो ज्यादा हम काउंट कर चुके हैं, आठ भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, होगा आपके साथ भी ऐसा होगा एग्जाम। अब आप कहोगे सर बारह, बारह इसलिए नहीं होगा क्योंकि तेरह तक हम काउंट कर चुके हैं। अब बचा क्या? तो पॉसिबिलिटी एक ही है कि आपका आंसर क्या हो, बी हो। क्लियर है? तो आप इसे एक बार और ट्राई करके देखना कि एक त्रिभुज मैंने जो छूटा हुआ है वो कौन सा है, वो आपको बताना है कमेंट में। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। कभी कभी ऑप्शन काफी दूर हो तो आप उस तरीके से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दुविधा भी नहीं है इसमें। आप देखो मेरे भाई इसमें जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी होगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर आप कहोगे यहां त्रिभुज, यहां तो तीन मिलेंगे इस वाले से, इस वाले फिगर से भी कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे इस बेस पर, इस बेस पर भी कितने मिलेंगे, तीन, इस बेस पर भी कितने मिलेंगे, तीन, और इस बेस पर भी कितने मिलेंगे, तीन, हाँ या ना। अब तीन तीन तो आपने काउंट कर लिए, देखो मेरे भाई तीन तीन तो आपने काउंट कर लिए, अब देखना है क्या और भी त्रिभुज मिलेंगे, कौन कौन से। तीन जो काउंट किए हैं सर मैंने कैसे किए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तीन आपको काउंट कराता हूं। ये तो तीन आपके हैं, यहां जो आपने काउंट किए हैं ये वाले तीन किए, एक दो और ये वाला तीन। क्लियर? यहां जो काउंट किए मेरे भाई कौन कौन से किए, एक दो और ये पूरा वाला तीन। क्लियर? यहां जो काउंट किए आपने कौन कौन से किए, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपको कोई दिक्कत ना हो। एक मेरे भाई ये वाला काउंट किया है, तीन इस बेस पर कौन से किए, एक ये सर, एक इसके अपोजिट वाला, और एक मेरे भाई पूरा त्रिभुज काउंट किया आपने बड़ा वाला, एक पूरा त्रिभुज काउंट किया, ये आपको दिखाई दे रहा है इस बेस पर पूरा वाला। तो अब तक तीन और तीन छह, तीन या नौ, नौ त्रिभुज आप काउंट कर चुके हो, नौ त्रिभुज आप काउंट कर चुके हो। अब मेरे भाई तीन कौन से स्पेस पर करोगे, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक मेरे भाई ये वाला हो जाएगा। तो तीन और काउंट कर लिए तो टोटल त्रिभुज आपको यहां से बारह मिल चुके हैं, बारह। अब एक चीज बताओ, क्या मैंने देखो एक त्रिभुज में इस वाले को तो काउंट कर चुका हूं पूरे को, इस वाले पूरे त्रिभुज को काउंट कर चुका हूं मैं, इस वाले पूरे त्रिभुज को काउंट कर चुका हूं, इस वाले को तो कर चुका हूं, क्या मैंने इस बेस पर कोई पूरा त्रिभुज काउंट किया है, इस वाले बेस पर, इस वाले बेस पर, इस वाले बेस पर मैंने भाई अभी कोई त्रिभुज काउंट नहीं किया। इस वाले बेस का त्रिभुज जो है एक तो ये मिलेगा मुझे,
हाँ या ना, ये पूरे विश्व पर मिलेगा, एक ये वाला त्रिभुज मिलेगा और एक इसके अपोजिट वाला मिलेगा, तो दो त्रिभुज और मिल जाएंगे। 12 और 2 कितना होगा, 14, 14 हो गया मेरे पास, 14 त्रिभुज मेरे पास अब तक हो गए। इस वाली फिगर में मैं कितने काउंट कर चुका हूं, 14 कर चुका हूं। 14 के बाद मेरे भाई तीन और में हैं, तीन ये जोड़ोगे, 14 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 17। आयो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और बेहतर तरीके से मैं दूसरा तरीका बताता हूं, आप और कैसे काउंट कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई। इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया, इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया है। अब आपके सामने क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अब मैं कहूँ आप इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, आप कहोगे सर इस वाली फिगर में 8 होते हैं। मेरे भाई इसके आने से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए, 3। इसके आने से मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए, 3। दो लाइन खींची गई, 8 और 6 कितना हो गया आपके पास, 14 है। वो मैंने 14 पहले भी काउंट किया था, वही 14 मैंने पहले काउंट किया था उस तरीके से। आप इस तरीके से करोगे बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि 8 पहले वाली फिगर के, 3 इसके आने से, 3 इसके आने से, 8 और 6 कितना होगा, 14। 14 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है त्रिभुज बने। 14 के बाद मेरे भाई तीन हमारे एक्स्ट्रा अलग हैं, ये 3, 14 में 3 और जोड़ोगे तो आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 17। तो A1 इज करेक्ट, A इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, आगे फिगर को देखते हैं। आपको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, आपको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मेरे भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, बेसिक अप्रोच हमें नहीं पता होती है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है माइनर मिस्टेक होने की। या तो एक त्रिभुज हम कम काउंट कर लेते हैं या ज्यादा काउंट कर लेते हैं, तो आपको इनसे बचना है, आपको देखना है इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने। कुछ नहीं मेरे भाई, आपको कभी कभार तो डायरेक्ट देखो बेसिक फिगर जो आपने पढ़ रखी है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो, नहीं काउंट भी करने पड़ सकते हैं। देखो किस तरीके से काउंट करने हैं, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 तो मुझे यहां से मिलेंगे, 3 मेरे भाई इस वाले बेस पर मिलेंगे, 3 और 3 6, 3 मुझे यहां से मिल जाएंगे इस वाले पे, इस तरीके से 3 इस वाले के त्रिभुज, क्लियर। अब देखो 3 और 3, 3 और 3 6, 3 3 9, 9 त्रिभुज आप काउंट कर चुके हो। 9 के बाद और क्या पॉसिबिलिटी है सर, 9 तो मैं काउंट कर चुका हूं, क्या और भी कोई त्रिभुज है। हाँ मेरे भाई और भी त्रिभुज बनेंगे, कैसे देखो, 9 के बाद कहोगे सर एक दसवां ये बनेगा, दसवां ये बनेगा, हाँ या ना। तो अब तक जो त्रिभुज काउंट कर चुके हो आप 10 कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 त्रिभुज काउंट कर चुके हो, क्या और कोई त्रिभुज और बनेगा, तो आप कहोगे हाँ सर। जब मैं इस पूरे बेस को इस तरीके से मिलाऊंगा, यहाँ इस तरीके से और इस तरीके से इस बेस को मिलाऊंगा और इस तरीके से आप इसे मिलाओगे तो एक त्रिभुज और बनेगा, तो आप कहोगे सर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे आपके कितने हो जाएंगे, 11। तो मेरे भाई इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 11 हैं, तो A1 इज करेक्ट, A इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और बेहतर तरीका से। ये जो बेसिक फिगर मैंने आपको पढ़ाई थी वो इस टाइप की थी, देखो किस तरीके से मेरे भाई, एक बात मेरी बात ध्यान से सुनने, एक फिगर आपने इस तरीके की पढ़ी होगी, इस तरीके से मेरे भाई इसी तरीके की कुछ फिगर है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, इस वाली को देखो किस तरीके से आपको अभी दिखाते हैं, देखो अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं मेरे भाई, इस वाली लाइन को, और मैं इस वाली लाइन को यहां से हटा दूं, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस तरीके की फिगर मैंने ये बना रखी है, हाँ या ना, इस तरीके की फिगर दिखाई दे रही है मेरे भाई, ये वाली सेम फिगर है। अब इस वाली फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं वो आपको याद रखना, देखो किस तरीके से, इसे कुछ नहीं मेरे भाई, इसमें जो छोटे त्रिभुज बनते हैं 1 2 3 4 और 5, छोटे त्रिभुजों की जो संख्या बनती है वो कुछ इस प्रकार बनती है, देखो देखो 1 2 3 4 और 5, 5 मेरे भाई इन वर्टेक्सों से मिलते हैं आपको, 5 इस वर्टेक्स से मिलते हैं, कैसे देखो समझते हैं, इस वर्टेक्स के साथ जो मिलेगा आपको ये त्रिभुज मिलेगा, एक एक ये मिल गया, दूसरा देखो मेरे भाई इस वर्टेक्स से जो मिलेगा इसे हटाना पड़ेगा, देखो इस वर्टेक्स से जो मिलेगा मेरे भाई वो कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, इसको बेस मानना पड़ेगा, इस वाले वर्टेक्स से जाओगे
दूसरा ये मिल जाएगा। तीसरा आपको इस वाले वर्टेक्स से, चलो इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से यहां से आओगे इस तरीके से और इस तरीके से, तीसरा ये मिल गया। चौथा चौथा मेरे भाई तीसरा मिल गया, इस वाले वर्टेक्स से आओ, चौथा आपको इस तरीके से मिलेगा। पांचवा त्रिभुज इस वाले वर्टेक्स से मिलेगा, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो पांच आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो आप इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होना, आपको पहले याद रखना, मैं बता देता हूं किस तरीके से काउंट करना है कि सर एक दो तीन चार पांच, पांच तो ये छोटे वाले मिल गए और पांच त्रिभुज हमें प्रत्येक वर्टेक्स को मिलाने से मेरे भाई पांच त्रिभुज और मिलेंगे, पांच ही इसमें वर्टेक्स होते हैं तो पांच हमें और मिल जाएंगे, पांच तो हमें और मिल जाएंगे। पांच तो पहले मिल गए छोटे वाले और पांच और मिलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर इसमें 10 हो जाएंगे, हाँ या ना, आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, 10। आप मेरे भाई पजल कब हो जाते हो, जब इसमें इस तरीके से कोई लाइन खींच दी जाती है। देखो अब मैंने क्या किया, इसमें नई लाइन खींच दी एक आपके सामने इस तरीके से, इस फिगर को देखते हैं, मैंने आपके सामने एक नई लाइन खींच दी इस तरीके से। अब आपको दिक्कत होगी अब काउंट करने में, अब मेरे भाई बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको देखना है इस लाइन के आने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेरे भाई एक त्रिभुज तो ये आएगा छोटे वाला, हाँ या ना, एक त्रिभुज ये आ जाएगा, दूसरा त्रिभुज मेरे भाई ये आ जाएगा, हाँ या ना, इसके साथ दूसरा ये आ जाएगा। अब देखो आप कहोगे सर तीसरा ये वाला आ जाएगा, इसके साथ तीसरा ये आ गया, और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई त्रिभुज की पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे सर हाँ एक और पॉसिबिलिटी है, तो मेरे भाई एक त्रिभुज और आएगा इस लाइन के आने से, एक चौथा वाला ये त्रिभुज आ जाएगा, कौन सा सर, ये वाला, ये वाला। तो इस टाइप की फिगर में मेरे भाई एक लाइन के आने से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आते हैं, चार आते हैं। तो आपको यही याद रखना है, अगर इसमें एक लाइन खींच दी जाए नहीं तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाएंगे, चार बढ़ जाएंगे। अगर मेरे भाई लाइनें आपसे दूर दूर होंगी तो प्रत्येक लाइन के आने से चार त्रिभुज आएंगे, पर मेरे भाई जब भी यहां से खींचोगे ना इसके पास वर्टेक्स से, तो एक जो वर्टेक्स वाला और काउंट होगा। अभी तो मैंने यहां खींची है, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से यहां और खींच दूं तो आप कहोगे सर इसके भी आने से चार आएंगे। अब मेरे भाई एक लाइन मैंने इस तरीके से यहां और खींच दी तो अब इसमें अंतर आ जाएगा, चार तो यहां से आएंगे पर इस वर्टेक्स से एक त्रिभुज और आएगा, वो भी काउंट करना होगा। क्लियर कि नहीं, जब वर्टेक्स पे ये दोनों नल मिल रहे होंगे, जब तक मिलेंगी नहीं, मिलती नहीं है, तो मेरे भाई आपको इंडिविजुअली चार चार ट्रायंगल काउंट करने होते हैं। नहीं आप इस टाइप की फिगर में क्या हो सकते हो, पजल हो सकते हो, इसे काउंट करने का यही तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक लाइन के आने से कितने त्रिभुज आते हैं, आप कहोगे सर चार त्रिभुज आते हैं, एक लाइन के आने से चार त्रिभुज आते हैं। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूं जो आपसे पूछे गए थे। देखो मेरे भाई अब फिगर पर चलते हैं जो आपसे अभी पूछी थी मैंने, कौन सी फिगर थी, देखो एक स्टेप हम पीछे आ जाते हैं, ये वाली फिगर थी आपके सामने, ये हटाओ, हाँ चलो मेरे भाई आपको बेसिक फिगर पे लाते हैं, कौन सी फिगर थी हमारी, इसे हटा देते हैं एक बार, आपको प्रॉपर फिगर दिखाते हैं, हमारी ये फिगर थी, आपकी ये फिगर थी, आपकी मेरे भाई ये फिगर थी। क्लियर है कि नहीं, अब आप बताओ इसमें कितने होंगे। तो आपको पता है सर इस टाइप की फिगर में क्या किया गया, एक लाइन यहां से खींच दी, एक लाइन यहां से खींच दी, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं किया गया, इस ये टाइप की फिगर है ना, इसमें एक लाइन यहां से खींची गई है और एक लाइन इस तरीके से खींच दी गई है, ये सेम फिगर है। तो आपको पता है पहले वाली फिगर में कितने त्रिभुज थे मेरे भाई, 10, एक लाइन के आने से कितने आते हैं चार, एक लाइन के आने से चार आते हैं, इसमें एक लाइन यहां भी खींची गई है, इसके आने से चार और आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 18।
तो इसमें दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 18। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो बेहतर तरीके से। अगर मैं यहां से एक लाइन इन वर्टेक्सों को मिला के इस तरीके से और खींच दूं, एक नहीं समझ लो ऐसे नहीं पजल हो जाओगे, इसमें काउंट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको इस तरीके से खींच दिया जाए तो आपको पता है चार तो आएंगे यहां से, पर यहां वर्टेक्स मिलेगा ना, एक यहां से भी आ जाएगा, यहां वर्टेक्स मिलेगा एक यहां से भी आ जाएगा। अगर इस वाली आकृति में बात करें तो चार और ऐड कर दोगे, दो और ऐड करोगे क्योंकि वर्टेक्स इनके मिल गए, तो दो और ऐड करोगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 24। क्लियर है कि नहीं? जब भी वर्टेक्स पे मिलेगा तो एक वर्टेक्स के आने से और त्रिभुज आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिगर को देखते हैं किस तरीके से इस फिगर को और मॉडिफाई किया गया। ये फिगर है मेरे भाई उसी टाइप की फिगर है। देखो उसने क्या किया गया, इस टाइप की आपके सामने एक फिगर मैंने अभी बताई थी, इस टाइप की फिगर को ये। अब मैंने क्या किया इसमें, देखो इसी फिगर में मैंने क्या है, इसे मिला दिया मेरे भाई, इसे मिला दिया, इसे मिला दिया यहां, और इसे इस तरीके से मिला दिया, और इसे इस तरीके से मिला दिया। अब देखो आपको क्या होगा, मैंने अभी बताया था 10 तो पहले मेन फिगर में थे ही मेरे भाई, चार इसके आने से आते हैं, चार एक लाइन के आने से आते हैं, चार यहां से आ जाएंगे आपके पास, चार ये वाली लाइन देगी और चार इससे आएंगे, तो मेरे भाई चार और चार आठ, चार बारह, सोलह और चार बीस, बीस और आ गए आपके पास, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए मेरे भाई, 30 हो गए। सर इन वर्टेक्सों से कितना मिलता है, एक मिलता है, एक इससे मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, और एक इस वाले वर्टेक्स से मिलेगा, तो मेरे भाई पांच और ऐड कर दो तो आपके पास कुल त्रिभुज कितने होंगे। आप कहोगे सर इस फिगर में 35 त्रिभुज हो जाएंगे, तो इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 35 होगी, 35 होगी। ये सेम फिगर यही है, मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया। क्लियर है कि नहीं? तो दी गई आकृति में 35 त्रिभुज होंगे, C1 इज करेक्ट, सी आपका करेक्ट आंसर है। नहीं मेरे भाई इस फिगर को आप गिन ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते अगर आपको बेसिक फिगर के बारे में पता नहीं है, आपको अप्रोच नहीं पता, तो मेरे भाई एक महीना निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आपको बेसिक चीजों को समझना है और उसी हिसाब से आप तभी काउंट कर पाओगे इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। क्लियर है? यहां तक आपकी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। अब मेरे भाई वही फिगर है, आपको कुछ नहीं किया उसने, क्या कर दिया देखो, अगर मैं इस वाली लाइन को, ये वो वाली फिगर नहीं है, ये अलग है, अलग टाइप की, देखो कुछ नहीं किया इसमें, क्या किया गया, इसमें क्या किया गया है, इस वाली लाइन को हटा दूं, इस वाली टाइप की फिगर तो मैं करा चुका हूं मेरे भाई आपको, इस वाली टाइप की फिगर अभी कराई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ नहीं है आपको, मैंने ये फिगर कराई थी कि नहीं पीछे क्लास में अभी मेरे भाई, इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, एक लाइन के आने से यहां कितने आते हैं, 3 आते हैं, बस इन दोनों फिगरों में वही अंतर है कि इस वाली फिगर में एक लाइन के आने से कितने आते हैं, 3 और आ जाते हैं, तो एक लाइन यहां से उसने खींच दिया, 3 और आ गए, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, इसमें 11 हो जाएगा। इस वाली फिगर में एक लाइन के आने से 3 आते हैं, और इस वाली फिगर में मेरे भाई एक लाइन के आने से कितने त्रिभुज आते हैं, 4 आते हैं, ये आपको याद रखना है। देखो दो दो प्रकार के स्टार होते हैं, एक तो इस तरीके से दो त्रिभुज आपको इस तरीके से काट रहे होते हैं उल्टे, तो इसमें एक लाइन नहीं आएगी तो इसमें कितने त्रिभुज लाएगी, 3। अगर मेरे भाई इसमें डायमंड जो आपका ये स्टार बना हुआ है, इसमें अगर एक इसमें 10 हैं, एक लाइन नहीं खींचोगे तो नई लाइन के आने से कितने आते हैं, 4 आते हैं, और इन सबको मिला दोगे तो मेरे भाई यहां भी वर्टेक्स मिलेंगे, वहां से एक त्रिभुज और मिलता है। ये कंसेप्ट, ये दोनों टाइप की फिगर आपको क्लियर होंगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आगे अगला आपके सामने, अरे इसे करा चुका हूं, ये पहले भी आ चुका है, इसमें कितने होंगे, 32 होंगे, क्योंकि इस टाइप की फिगर को क्या किया गया है मेरे भाई, मिला दिया गया, इस टाइप की फिगर को क्या किया गया है, मिला दिया गया। किस तरीके से सर, देखो समझो इस तरीके से मेरे भाई, अभी मैंने बताया था ज्यादा समय खराब नहीं करना, 8 होते हैं, इस तरीके से मिला दो, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये इस तरीके से इसे मिला दिया, तो इस डायमंड में कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 32, पीछे ये वाली फिगर मैंने काउंट कराई थी आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे आगे देखते हैं मेरे भाई, अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस वाली फिगर में देखो, इस वाली फिगर की देखो, ये फिगर मैंने अभी आपको कराई थी, मैं दिखा देता हूँ, वैसे इसे घुमा दिया, उल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया गया इसके साथ, वैसे इसे उल्टा कर दिया। देखो कहाँ है, आपको अभी दिखाता हूँ, ये वाली फिगर सेम डिक्टो कराई थी, कौन सी है सर, इस वाली टाइप की, देखो ये आपको अब खुद आंसर देना है। देखो ये वाली फिगर, ये सेम फिगर है कि नहीं, ये सेम फिगर है मेरे भाई, बस इसे घुमा के इस तरीके से पलट दिया। क्लियर है? तो इस फिगर को मैं दोबारा बताने वाला नहीं हूँ, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, आपको खुद देना है, इसका आंसर क्या होगा आप खुद काउंट करोगे, ये वाली फिगर मैं पहले करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगली फिगर देखते हैं आपके सामने, ये फिगर है, इसका आंसर कैसे दोगे मेरे भाई, इसका आंसर बताओ, कुछ नहीं है मेरे भाई, पहली क्लास में मैंने इस टाइप की फिगर कराई थी, इस वर्टेक्स से कितनी लाइन खींची गई है, 3, कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे बेस को, 4, इस वर्टेक्स से कितनी लाइन खींची गई है, 3, कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे बेस को, 4, कैसे, 1, 2, 3 और 4,
यहां भी एक दो तीन और चार। देखो जिस इस वर्टेक्स से तीन लाइन खींची गई है तो बेस को चार पार्टों में डिवाइड करेंगे, इस वर्टेक्स से भी तीन लाइन खींची गई है बेस को चार पार्टों में डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना है, बड़े वाले नंबर का खाली क्यू कर दो डायरेक्ट मेरे भाई, इसका क्यू कर दोगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे कितने होंगे 64। तो इसका जो आंसर होगा डी1 इज करेक्ट, डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप की फिगर में करा चुका हूं। देखो इसका क्वेश्चन कैसे, इस वर्टेक्स से कितनी लाइन खींची गई है, एक दो तीन और चार मेरे भाई, यहां से खींची गई है एक दो और तीन। तो आप क्या करोगे, ये प्रोसेस मेरे भाई कितनी बार होगा, तीन बार होगा, मैक्सिमम चार डेज तक जाएगा। किस तरीके से आपको करना है इसे सॉल्व, एक दो तीन और चार, ये पहली क्लास में भी बता चुका हूं आपको। तो मेरे भाई इन्हें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। फिर यहां मेरे भाई दो से स्टार्ट करोगे क्योंकि चार तक जाएगा, मैक्सिमम भी एक इस बेस पर तीन है तो तीन बार होगा। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, दो से स्टार्ट करोगे, दो तीन चार और पांच। अब इन्हें जोड़ो मेरे भाई, 14 हो जाएगा, क्लियर है। फिर तीन से स्टार्ट करोगे, तीन चार पांच और छह मेरे भाई, अब इन्हें जोड़ो तो कितना हो जाएगा 15, 15 और तीन कितना हो जाएगा 18, तो ये 18 हो जाएगा। इस बेस पर मेरे भाई कितने पार्टों में डिवाइड हो रहा है, चार, तो हम कहां तक जाएंगे, चार तक। ये कितने पार्टों में, यहां से दो लाइनें खींची गई, कितने पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तीन में, तो मैक्सिमम तीन बार ये प्रोसेस होगा, क्लियर है कि नहीं। तो अब क्या करना है, इन सबका सम करना है। कैसे करोगे, आठ और चार बारह का दो हंसल लगा, एक तीन और एक चार, तो इसमें जो कुल त्रिभुजों की संख्या होगी मेरे भाई कितनी होगी, 42 होगी, 42 होगी, क्लियर है कि नहीं। कैसे, छह और चार 10, 15 और 3 18, इन्हें जोड़ दिया 10 हो गया, ये कितना होगा 9, 12 और 2 14, क्लियर। इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ गया 42। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई 42 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगली फिगर को देखते हैं। इस टाइप की फिगर में अभी आपको करा चुका हूं, इस टाइप की फिगर मैंने सिम डिक्टो कराई थी, देखो नहीं नहीं अभी ये वाले नहीं करा, ये नई फिगर है। अब इसे समझो मेरे भाई, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें मेरे भाई इस टाइप की फिगर है, ये तो आपको ये तो पता है इसमें तो त्रिभुज कितने होते हैं, आठ होते हैं। उसने कुछ नहीं किया, इस लाइन को मिला दिया यहां, अब आपको देखना है इस लाइन के आने से कितने त्रिभुज आए। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखो, इस लाइन के आने से कितने त्रिभुज आए, आप कहोगे सर एक तो ये वाला त्रिभुज आया, हाँ या ना, दूसरा मेरे भाई कौन सा आएगा, आप कहोगे सर एक और त्रिभुज कौन सा आएगा, देखो एक तो ये वाला त्रिभुज आ गया, आ गया मेरे भाई, और कोई पॉसिबिलिटी है त्रिभुज की बनने की इस लाइन के आने से, तो मेरे भाई और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही त्रिभुज आएगा, क्योंकि इस तरीके से जब भी मैं लाइन को मिलाऊंगा तो मुझे एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे भाई, ये वाला बनेगा इसके साथ, हाँ और कोई बन सकता है, तो आप इस, हाँ बनेगा, एक और बनेगा, आप ध्यान से देखो अगर कौन सा बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। इस सर एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, हाँ या ना। तो मेरे भाई इसके आने से दो और आ गए, दो और ऐड करूं, अब मैं एक और लाइन नहीं खींचने वाला हूं इसके आने से, हाँ या ना। अब इसके आने से कितने आएंगे, इसी प्रकार इसके आने से आएंगे, इसके आने से भी कितने आएंगे सर, एक तो ये वाला आ जाएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, एक तो ये वाला आ जाएगा और एक इसके आने से कौन सा आएगा, एक मेरे भाई ये वाला आ जाएगा, दो और ये आ गए, क्लियर है। अभी मेरे भाई आपस में इस तरीके से कट गए हैं तो दो छोटे वाले ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, ये भी तो बने हैं दो। देखो ध्यान से देखो, दो त्रिभुज मेरे भाई, दो त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज ये भी तो बने छोटे, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा इसके अपोजिट, तो दो त्रिभुज आपको ये और ऐड करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 14 हो जाएंगे। आप कहोगे सर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे सर 14 इस आकृति में त्रिभुज हैं। डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, D1 इज करेक्ट, डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो मेरे भाई, इस फिगर का आंसर देने की कोशिश करो, आपके लिए मेरे भाई ये बेहतर क्लास होने वाली है। और आप सभी से एक निवेदन है मेरे भाई, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि हमें कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे भाई हमारी मेहनत को सराह सकते हो, कमेंट कर सकते हो और लाइक जरूर करना वीडियो को। और आप बताओ मेरे भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, और आप मेरे भाई कैरियर क्राफ्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो भी कंटेंट, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा वो मेरे भाई उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुँचता रहेगा। और आपको क्या करना है मेरे भाई, टेलीग्राम पर जाकर कैरियर क्राफ्ट के चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, ये जो PDF पढ़ाई जा रही है ये सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मेरे भाई अगर मैं इस बेस, देखो ये लाइन सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी
टेढ़ी है। तो अब गलती मत करना, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहां से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब इन सबको जोड़ के आंसर दे देंगे, मेरे भाई गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे मेरे भाई? अब ये लाइन टेढ़ी है, बेस सीधा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है सर, हमें ये करना है कि हमें इस बेस पर काउंट करने हैं। ये तो आपका बेस पूरा 1, 2, 3 और 4, ये तो मेरे भाई यहां तक आपको पूरा बेस दिखाई दे रहा है ये वाला। तो इस बेस पर देखो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो मेरे भाई यहां कितने बनेंगे, आप कहोगे सर 10 बनेंगे मेरे भाई। यहां से टेढ़ी लाइन है, तो ये जो एक त्रिभुज छोटू सा ये बनेगा आपका अलग से, एक त्रिभुज ये बनेगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो आपका इसका जो आंसर होगा 12 त्रिभुज होंगे इसमें। मेरे भाई इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 12, क्लियर, क्योंकि यहां यहां से टेढ़ी लाइन है। अब मेरे भाई ये त्रिभुज नहीं बनेगा आपका, इसमें 4 लाइन हो जाएगी, ये नहीं बनेगा। अगर ये सीधी होती तब मेरे भाई ये भी त्रिभुज काउंट होता, फिर तो डायरेक्ट आप बेस पर ही काउंट करते थे, क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाई यहां से कितने होंगे 10, ये आ गए आपके पास, 2 ये आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 12। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार। अब देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। आपको मैं इस टाइप की फिगर मेरे भाई पहले पढ़ा चुका हूं, पहले वीडियो देखना, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं करा चुका हूं आपको, उसमें मैंने काउंट भी करके आपको दिखाए थे। आपको क्या करना है, इस टाइप की मैंने फिगर कराई थी, ये तीसरी वीडियो, इससे पहले 2 वीडियो में मैं आपको सारी फिगर काउंट करा चुका हूँ बेसिक। मैंने कहा था जब भी आपसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर पूछी जाएगी तो वो मेरे भाई बेसिक फिगर से मिलकर बनी होगी। तो आपको जितनी भी बेसिक फिगर मैंने 2 क्लासों में पढ़ाई है वो वीडियो आपको देखनी है, क्लियर है कि नहीं? इस टाइप की मैंने फिगर आपको कराई थी, तो मैंने कुछ नहीं बताया था, 1, 2, 3, 4 और 5 और 1, 6, इन दोनों को एक साथ लिख दो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे 16, इसमें 16 त्रिभुज होते हैं। ये फिगर मैंने आपको काउंट करके भी दिखाई थी 16 त्रिभुज होते कैसे, ये पहले भी करा चुका हूं। अब हमें देखना है इस वाली फिगर को ही मॉडिफाई कर दिया गया है, इसमें क्या किया गया सर, उसने बस मेरे भाई एक लाइन खींची है इस टाइप से, इस लाइन को खींचने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ त्रिभुज और बनेंगे। तो एक चीज बताओ मेरे भाई, अगर ये आप देख पा रहे हो, इसे गौर से देखो, ये आपका चतुर्भुज टाइप का बनना है कि नहीं, इस चतुर्भुज में खाली आपको यही देखने कि कितने त्रिभुज और बन जाएंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चतुर्भुज में कितने त्रिभुज और बनेंगे, देखो, तो मेरे भाई 1, 2, 3 और 4, 4 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा 8। तो ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इसके आने से मेरे भाई ये जो चतुर्भुज बन गया है, इसके बनने से कितने त्रिभुज और बन जाएंगे इस फिगर में, 8 और बन जाएंगे, 16 पहले वाली फिगर में थे, इस लाइन के आने से 8 और आ गए, तो 16 और मेरे भाई 8 कितना हो जाएगा, आपका आंसर इसका हो जाएगा 32। तो ये फिगर सेम ही है, इसमें एक लाइन खींच दिया, तो मेरे भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, 24 ट्रायंगल हो जाएंगे, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माफी चाहते हैं मेरे भाई गलती हो गई जोड़ने में, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे आपके, आप कहोगे सर इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ऑप्शन मिस्टेक है मेरे भाई, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 16 होंगे, 16 के बाद 17, 18, 19, 20 और मेरे भाई 21, 22, 23, 24 ही बनेंगे, 16 और 4, 20 और 4, 24, इसमें भाई ऑप्शन मिस्टेक दे रखे हैं, एक ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए, ये मुझे लग रहा है ये उन्होंने लैन को हटा दिया, देखे अगर लैन को खींचोगे तो मेरे भाई इसमें ऑप्शन मिस्टेक हैं, आप एक ऑप्शन को क्या कर लो 24 कर लो, इसमें ऑप्शन मिस्टेक दे रखे, एक ऑप्शन क्या होगा 24 होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होंगे तो फिर ये वाली लैन हट जाएगी, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा फिर कुछ किस तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर ये ऑप्शन होंगे तो ये वाली लाइन आपकी क्या होगी, ये वाली लाइन क्या होगी मेरे भाई, ये वाली लाइन आपकी हट जाएगी, ये वाली लाइन नहीं होगी, ये वाली लाइन हट जाएगी। अब इसमें कितने होंगे, अब इसमें 16 होंगे, अगर इस लाइन को खींचोगे तो इस लाइन को खींचोगे तो क्या हो जाएगा सर, इसमें 8 और आ जाएंगे, कौन से, एक कौन से आ जाएंगे 8, तो मेरे भाई 1, 2, 3 और 4, 4 तो ये आ जाएंगे, 4 का 2 गुना करोगे 8 और आ जाएंगे, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई फिगर के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा 24 होगा, क्लियर है, अगर इसे हटा दोगे तो 16 होगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसमें बताओ मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, आप इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना, 3 इसमें, 3 मेरे भाई यहाँ से, 3 यहाँ से,
और मेरे भाई 3 और 3 6 9 हो गए, 9 के बाद एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, क्लियर है, और एक बड़ा वाला, 2 और हो गए, 2 के बाद सर एक त्रिभुज मेरे भाई ये वाला बनेगा आपका, और एक त्रिभुज इसके अपोजिट वाला, 2 और हो गए, तो मेरे भाई ये क्या हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए, इसमें कितने त्रिभुज हो गए आपके, 13 हो गए। अब देखो मेरे भाई इसमें और त्रिभुज कितने बन सकते हैं, यहां से हमने सर कितने ले लिए, 3 ले लिए, 3 3 6 3 3 9, 9 के बाद, 9 के बाद सर और कोई त्रिभुज था, 9 के बाद मैंने दसवां ये गिना था, दसवां ये गिना था, 11वां मेरे भाई ये बनेगा, 11वां 11वां 12वां ये बनेगा, और 13वां ये बनेगा, 13वां ये बनेगा, क्या मेरे भाई इसमें कोई छूट रहा है, ऐसे एक बार फिगर को देखते हैं, रफ करते हैं, 13 देखो इस वाली फिगर में हम देखते हैं कितने त्रिभुज बनेंगे। सर देखो मेरे भाई 3 यहां से आ जाएंगे आपके पास, 3 त्रिभुज ये आ गए, 3 इस वाली से आएंगे और 3 इस वाली से आएंगे, क्लियर है कि नहीं, 3 के बाद मेरे भाई एक त्रिभुज आपके पास ये भी होगा छोटा वाला, ये अभी काउंट नहीं किया, 3 हमने स्पेस पर काउंट किए, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 3 6 और 3 9, 9 में त्रिभुज अभी तक काउंट कर चुका हूं, एक मैंने भाई ये छोटा वाला काउंट कर लिया, क्लियर है। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, ये तो त्रिभुज हमने काउंट कर लिया, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर इसमें, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे भाई देखो, और क्या क्या पॉसिबिलिटी, और कोई त्रिभुज है, हाँ है सर, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला भी तो होगा, हाँ मेरे भाई ये बड़ा वाला भी होगा, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला भी होने का, ये अभी हमने काउंट नहीं किया था, ये भी काउंट हो गया, तो मेरे भाई ये भी त्रिभुज बनेगा, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 11 के बाद और त्रिभुज देखो कहाँ कहाँ बन सकते हैं, और त्रिभुज 11 12 और 13 13, इसके ऑप्शन यार पीडीएफ कौन सी भेजती है, पीडीएफ कौन सी है ये, क्या 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 क्वेश्चन है ये, 3 और 3 6 वो वाला सही था क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या, यही वाला क्वेश्चन है, पर ये वाला क्वेश्चन तो 3 और 3 6 और 3 9 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 बन गए, 11 के बाद 12वां ये बनेगा, 12 और 12 के बाद मेरे भाई 13वां ये बनेगा, 13वां ये बनेगा, तो अब तक जो 13 काउंट हो रहे हैं, पर 13 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, 13 भाई इसमें ऑप्शन नहीं है, 13 और 15 16 17 13 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये पीडीएफ किस कौन सी गलती करती है इसमें, देखते हैं भाई एक बार और, 13 इसमें ऑप्शन है नहीं, तो 13 के बाद और तो कोई बनने वाला है नहीं, 3 और 3 6 और 3 9, 9 के बाद 10वां ये हो गया सर, 11वां ये हो गया, 12वां ये हो गया, 13वां ये हो गया, 13 14 15 16 17 17, और कोई इस बेस को लोगे, इस बेस पर मैं काउंट कर चुका हूँ, इसके साथ इसे काउंट कर चुका हूँ, इसे भी काउंट कर चुके हैं भाई, ये फिगर शायद मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग हो सकती है, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे भाई इसमें कुछ ना कुछ या तो ऑप्शन में गलती दे रखी है, या इस फिगर इनकम्प्लीट दे रखी है, फिगर ये इनकम्प्लीट हो सकती है, फिगर ये इनकम्प्लीट हो सकती है, आई होप ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे फिगर के, तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, और किस तरीके से, अगर मैं एक लाइन यहाँ से और खींच दूँ तो क्या अंतर आएगा, सर एक लाइन के आने से 2 और आ जाएंगे, 13 और 2 15 15, और एक लाइन यहाँ से और खींचूँ 15 और 2 कितना आ जाएगा, 17, तो इस हिसाब से आएगा 17, पर इसमें कुछ टाइप का एक ट्रायंगल इस तरीके से शायद बना हुआ होगा, इस तरीके से ये फिगर शायद इस तरीके से थी, इस तरीके से पूरी होगी, अब मैं बताता हूँ ये फिगर कैसे हो गई पूरी मेरे भाई, इसे हम रफ करते हैं, इसे मैं रफ करता हूँ, ये फिगर थी इस तरीके से, देखो
इस फिगर का आंसर देना आपको इस तरीके से मेरे भाई, इसमें एक लाइन इस तरीके से और खींचेगी, एक लाइन आपके इस तरीके से और खींचेगी, और एक त्रिभुज बना हुआ होगा यहाँ शायद इस तरीके से। अब आप देखो मेरे भाई इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, क्लास नहीं मेरे भाई, तीन तीन छः तीन नौ, नौ के बाद आप कहोगे सर दसवा एक ही हो गया, हाँ या ना? हाँ मेरे भाई दसवा हो गया। एक कहोगे मेरे भाई नौ, नौ के बाद दस तक काउंट कर चुके हैं, दस के बाद आप कहोगे सर एक ग्यारह में ही हो गया इस बेस पर पूरा वाला, हाँ या ना? ग्यारह ही हो गया, तो एक ही आ गया। ग्यारह के बाद मेरे भाई तीन ये आ गए, एक छोटू वाला इसके साथ, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, क्लियर है? तो तीन ये आ गए, तो ग्यारह के बाद तीन और आ गए उधर से, तीन इस पे से आ जाएंगे, तीन ये आ गए, तो यहाँ कितना हो गया? सत्रह, सत्रह आप काउंट कर चुके हो। फिगर ये थी करेक्ट आपकी, ये मेरे भाई फिगर थी आपकी जो उसमें दे रखी थी ना, वो फिगर आपकी सही नहीं थी, ये फिगर सही है। कैसे सर? तीन यहाँ से काउंट हुए, तीन और तीन छः, तीन तीन और तीन चौक बारह थे पाँच, पंद्रह, पंद्रह आप काउंट कर चुके हो। पंद्रह के बाद एक छोटा वाला सोलहवा था ये, और एक ये सत्रहवा, सत्रह के बाद मेरे भाई एक जो आपका जी बना हुआ है ना, एक ये भी तो है, तो सत्रह के बाद आपको एक ये भी ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने थे? अठारह। ये आपकी परफेक्ट फिगर थी, क्लियर है? वो वाली फिगर मेरे भाई, वो वाली फिगर परफेक्ट नहीं थी, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। और कोई अठारह के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके त्रिभुज बने, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ए वन इज करेक्ट, ए सही आंसर होगा। आप दोबारा काउंट कर लो मेरे भाई, तीन इस पर बनेंगे, तीन इस पर, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करनी है। इस तरह के अगर मैंने मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, इसका आंसर आपको खुद देना है, क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाई आपको ये कैसी लगी क्लास आप कमेंट में जरूर बताएं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।